हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोखा। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाला कि हम किस तरीके से एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आज हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो होगा एक एजुकेशन वेबसाइट। तो बेसिकली हम आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक एजुकेशन वेबसाइट को बनाया जाता है, वो भी रेस्पॉन्सिव और कम्प्लीट वेबसाइट। तो इस लेक्चर को आपको एंड तक देखना है अगर इस लेक्चर से आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो कोड को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं जो CSS का कोड रहेगा वो मैं अलग फाइल में लिखूंगा, जो कि मैंने .css के नाम से मैंने फाइल यहाँ पे बना रखी है एक्सटेंशन के साथ में, और HTML की फाइल मैंने अलग रखी हुई है। तो जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बेसिकली आप अपनी HTML, CSS या JavaScript का अगर आपको ज़्यादा काम है तो आप अलग सेपरेट इनकी फाइल बनाओ। इससे क्या होता है कि आप कोड को बड़े ईजिली मैंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड होगा ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, जैसे कि हेडर का पार्ट अलग रहेगा, फुटर का पार्ट अलग रहेगा, अबाउट अस का पार्ट अलग रहेगा। इस तरीके से हम सेक्शन वाइज इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कि हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो है हेडर कोड, ठीक है। या हेडर कोड एंड ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अपना हेडर बनाने के लिए अब मुझे यहाँ पर एक रो बनानी है और कॉलम बनाने हैं। इस डिव को मैं क्लास दे दूंगा हेडर। अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा, इसको मैं क्लास दे दूंगा लोगो। एक डिव मैं और बनाऊंगा अपने लिंक्स के लिए, तो इसे भी क्लास दे दूंगा मैं लिंक्स। लोगो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करूँगा। अभी मैं एचआरएफ में हैश पास करूँगा। जैसे हमारा कोड रेडी होता रहेगा तो हम यहाँ पे जिस भी सेक्शन पे मुझे लिंक को लेके जाना है वो मैं सेक्शन यहाँ पे का कोड मैं ऐड करूँगा। img टैग में मैं अपना लोगो ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने लिंक्स को क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। तो यहाँ पे लिखते हैं हम होम, इसे मैं करता हूँ कॉपी, इसे करते हैं वापस से पेस्ट। जितने मेन्यू मुझे बनाने हैं उतनी बार मैं पेस्ट कर लूँगा ऐसे। इसे रख लेते हैं अबाउट अस, इसे रख लेते हैं हम कोर्सेस, इसे रख लेते हैं हम अचीवमेंट्स, अचीवमेंट की स्पेलिंग में चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है। अचीवमेंट्स के बाद यहाँ पर मैं रखूँगा बेसिकली अचीवमेंट के बाद हमारा बेनिफिट का हम एक सेक्शन बना सकते हैं, फीचर का एक सेक्शन बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने होम रख लिया है, इसको रख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट। तो नीचे वाला तो बेसिकली कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और इस वाले सेक्शन को मैं रख लूँगा यहाँ पर रिव्यूज, ठीक है। तो सेव करके करता हूँ रिफ्रेश, तो इस तरह से लेआउट है अभी। तो अभी मैं हेडर में दो चीज़ ऐड करूँगा। पहले तो मैं अपने यहाँ पर CSS की फाइल को लिंक करूँगा, तो HREF में पास करता हूँ उसका नाम .css। रिलेशन एट्रीब्यूट में मैं इसका रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ स्टाइल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, जिस भी सेक्शन को हम बनाएंगे उस सेक्शन को हम साथ साथ में हम रेस्पॉन्सिव भी करेंगे, ताकि हमारा जो कोड है वो इजी रहे, इजी टू मेंटेन रहे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अपनी CSS की फाइल को ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पर मेटा टैग ऐड करूँगा इसकी रेस्पॉन्सिवनेस को चेक करने के लिए। तो नेम रिपोर्ट, अभी इसको सेव करते हैं रिफ्रेश, बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे अपने हेडर को में CSS लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्सल लेटर लगाता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट की जो पैडिंग है उसे कर देता हूँ 0, बाय डिफ़ॉल्ट का मार्जिन उसे कर देते हैं 0, और यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग वैल्यू बॉर्डर बॉक्स 4x
फॉन्ट फैमिली में सभी में देना चाहता हूँ मोनो स्पेस, तो मैं यहीं पर ही डाल दूंगा। यहाँ पर मैं हेडर को कॉल करूँगा। हेडर का जो बैकग्राउंड का कलर है मैं इसे रखता हूँ ब्लैक। इसकी जो हाइट है मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, और इसको करूँगा मैं डिस्प्ले एज अ ग्रिड। मुझे दो कॉलम बनाने हैं तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो। मुझे यहाँ पर पैडिंग भी देनी है लेफ्ट राइट से, तो टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल। मुझे जितना भी कंटेंट है वो वर्टिकली सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। अभी मेरे यहाँ पर जो लोगो है, ठीक है, लोगो की मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। और लोगो के डिव के अंदर मेरी जो IMG टैग है जिसे मैंने लोगो रखा हुआ है उसकी भी हाइट मैं कर देता हूँ इमेज की 100 पिक्सल। अब मैं लिंक्स को कॉल करूँगा। लिंक्स के अंदर जो मेरे एंकर टैग्स हैं, सबसे पहले तो उसे आप कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ताकि जब हम जो भी एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन आती वो हट जाएगी। हम कलर इसको दे देते हैं वाइट। फॉन्ट का साइज हम डिफाइन कर देंगे 20 पिक्सल। यहाँ पे हम पैडिंग भी देंगे, टॉप बॉटम से देंगे नहीं, तो टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो एक कंटेंट है सारा, ये मैं मेरे जो अलाइनमेंट है इनका एंकर टैक्स का वो होगा राइट में, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं यहाँ पे रख दूंगा पेरेंट टीम में राइट। सेव करता हूँ, मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखो तो हमारा यहाँ पर नेवबार बन के रेडी हो गया है, बट ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये देखो, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव इसको बनाएंगे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा मोबाइल डिवाइस में जाए तो ये जो मेरे लोगो वाली डिव है ये पूरी आनी चाहिए और एंकर वाली डिव नीचे आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पर लगाना है मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मीडिया क्वेरी कोड। तो हम लगाते हैं मीडिया रूल, डिफाइन करते हैं मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। ये जो कोड है काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको कोड को लिखूंगा ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा, हेडर को मैंने कॉल किया और मैंने ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी कॉल की और मैंने इसे कर दिया ऑटो। अब क्या होगा कि ये मोबाइल डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, ये फुल पे आ जाएगा। पैडिंग कर दूंगा 0, ठीक है। अब देखो इस तरीके से मेरे जो अभी देखो एंकर टैग है वो नीचे आ गए, तो मैं एंकर टैग्स मेरे जो लिंक्स है, मैं बेसिकली लिंक्स को मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो लिंक्स है और जो मैं जिस मेरे डिव में लिंक्स रखे हुए, देखो अभी मेरा जो डिव है ये है, यहाँ पे मेरे लिंक्स रखे हुए हैं, तो इस लिंक्स वाले डिव का मैंने कोई भी कलर यहाँ पर नहीं दिया है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब मैं अपने मोबाइल डिवाइस से मेरे एंकर सारे जा रहे हैं तो इसलिए इनके बैकग्राउंड में कोई भी कलर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मोबाइल डिवाइस से मैं करता हूँ यहाँ पर कि जो मेरी लिंक्स है उसमें क्या करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर दो आप ब्लैक, ठीक है, उसे हम कर देते हैं ब्लैक। तो देखो ब्लैक कलर करते के साथ ही ये नीचे हमारे सारे एंकर दिखने लग गए। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मुझे सारे जो एंकर्स हैं वे मुझे एक के नीचे एक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी ऐड करूँगा बेसिकली यहाँ पे कि जितने भी मेरे लिंक्स के अंदर एंकर टैग हैं उस पर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले ब्लॉक। जब डिस्प्ले ब्लॉक लगाऊंगा तो एक के नीचे एक आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इनमें पैडिंग ही मेंटेन कर लेता हूँ 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। लेफ्ट राइट से देने का तो कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट से मेरे को राइट से देनी है, तो लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक है, बॉटम से 0 पिक्सल, राइट से 30 पिक्सल। सेव करता हूँ, अब करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। ये जितने भी मेरे एंकर टैग्स हैं मैं इसे राइट में चाहता हूँ, सॉरी लेफ्ट में चाहता हूँ, तो लेफ्ट में करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर दो आप लेफ्ट के अंदर, सेव कर दो रिफ्रेश, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस और बढ़ा देता हूँ ऊपर से भी नीचे से भी 30 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ पर नेवबार देखने में। अभी हमें काम और करना पड़ेगा कि जैसे हम फुल डिवाइस पे रहते हैं, डेस्कटॉप पे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम मोबाइल डिवाइस में आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पर एक आइकन का मेन्यू आइकन चाहिए। तो वो ऐड करने के लिए
मुझे फोन टोसम आइकन यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फोन टोसम आइकन को स्पैन टैग के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं इसकी जो फोन टोसम का जो मैं आइकन यूज करना चाहता हूँ उसकी क्लास होती है FA बार, ठीक है। बट मैं अभी इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो आपको कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं, क्यों? मुझे क्योंकि मुझे यहाँ पर फोन टोसम की फाइल यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो फोन टोसम W3 हिट किया, पहला लिंक ओपन करो और ये देखो यहाँ पर फाइल का लिंक आया। अब हम इसको अपने हेडर में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेव करो, रिफ्रेश, ठीक है। अभी देखो रिफ्रेश मैं कर रहा हूँ, ये दिख इसलिए रहा क्योंकि ब्लैक है, वो आइकन भी ब्लैक है। तो जैसे मैं कलर चेंज करूँगा आपको दिखने लग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि मेरी जो लोगो डिव है उसके अंदर जो क्लास है FA, ठीक है, उसका जो कलर है उसे कर दो वाइट, उसका जो फॉन्ट का साइज है उसे कर दो आप 30 पिक्सल, उसको उसकी जो, अब देखो मैं यहाँ पे ये चीज़ का दिखाता हूँ, पहले इतना ही करता हूँ, सेव करके करता हूँ रिफ्रेश। ऐसा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आए। ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, तो मैं एक को राइट में रखूँगा एक को लेफ्ट में। तो इसको लेफ्ट राइट में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले यहाँ पे, डिस्प्ले नहीं यहाँ पे फ्लोट, इसे कर दूंगा राइट में। अगर इतना ही काम करता हूँ राइट में आ गया। इसकी मैं लाइन हाइट यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा 100 पिक्सल, क्योंकि मेरे लोगों की भी हाइट भी 100 पिक्सल है तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं पैडिंग डिफाइन कर दूंगा टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट से मैं दूंगा यहाँ पर इसको 20 पिक्सल और बाकी जगह से 0 पिक्सल। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। अब जैसे ही इस पर मेरा कर्सर जाएगा बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि ये मुझे डेस्कटॉप पे ना दिखे, मोबाइल में दिखे। तो डेस्कटॉप पे मैं ऐसे कर देता हूं डिस्प्ले नन और मैं इसे कॉपी करता हूं और मीडिया क्वेरी में जाके यहां पर मैं इसे कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। यहां पे हम कर देते हैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। सेव कर दें, रिफ्रेश। अब मैं इसको करके देखता हूं डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में हट गया, मोबाइल में आ गया। अब हमें एक काम और करना है कि मैं चाहता हूँ मेरे जो लिंक्स है ये मुझे नहीं दिखने चाहिए मोबाइल में बट डेस्कटॉप में दिखने चाहिए। तो मैं इसे डिस्प्ले नन करूँगा अपने मीडिया क्वेरी के रूल के अंदर, ना कि बाहर। अगर बाहर करूँगा तो डेस्कटॉप से भी सारे लिंक उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस लिंक्स वाली डिव को डिस्प्ले नन, सेव कर दें, रिफ्रेश। तो वो हट गया लेकिन डेस्कटॉप में दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब मुझे मेरा जो लिंक है वो दिखना स्टार्ट हो जाए। तो इस काम के लिए मुझे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं जावास्क्रिप्ट को HTML की फाइल में यूज़ कर लूँगा, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी है इसलिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इस आइकन को सेलेक्ट करने के लिए इसी क्लास को। तो पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेता हूँ और देन स्क्रिप्ट को मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है FA, इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है 0, डॉट एड इवेंट लिसनर, क्या लगा दो इस पर इवेंट, क्लिक का इवेंट लगा दो इस पर। जब कोई क्लिक करेगा यूज़र इस पर तो एक फंक्शन चलेगा, फंक्शन के राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन। इस पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिंक्स है वो दिखना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिंक्स को सेलेक्ट किया अपनी क्लास को। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो तुरंत दिख भी जाए, इस पर क्लिक करूँ हट भी जाए। तो मैं यूज़ करूँगा टोगल का। तो यहाँ पर मैं टोगल बटन लगाऊँगा क्लास लिस्ट डॉट टोगल। तो कौन सी क्लास लगाऊँगा, जो भी क्लास मैं यहाँ पर लगाऊँगा उसका नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शो माई नेव। इस क्लास को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ मीडिया क्वेरी के अंदर ही डॉट लगा के पेस्ट। इस पर मैं क्या कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि मैंने लिंक्स को बाय डिफॉल्ट तो नन कर रखा है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, वापस क्लिक करूंगा हट जाएगी, बाय डिफॉल्ट तो मेरा नन है ही। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश क्लिक करते हैं, दिख गया, वापस क्लिक किया हट गया, ये देखिए क्लिक किया आ गया, क्लिक किया हट गया।
आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि ऊपर जिस मेन्यू के ऊपर स्पेस है, इस कॉन्टैक्टर्स के नीचे स्पेस है, तो आप ये भी स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूँगा, कहाँ से, बॉटम से। तो टॉप से 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से देता हूँ मैं 30 पिक्सल, बाकी से 0 पिक्सल। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो स्पेस आ गया, वेरी गुड। तो 30 ना करके 10 कर लेता हूँ, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारा जो अब पूरी वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि रेस्पॉन्स भी बना दिया हमने, वो है हेडर। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरा यहाँ पर रेस्पॉन्सिव हो गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो आएगा हमारा बैनर का। ठीक है, तो बैनर बनाने के लिए अब मैं एक काम वो इसमें और करूँगा, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र इसको पेज को स्क्रॉल करेगा, तो मेरा जो ये मेन्यू हेडर है दिखना चाहिए, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए पेज की स्क्रॉल के साथ में। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं करने की सोच रहा हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ बैनर कोड, ठीक है, इस तरीके से, और वापस से सिंगल लाइन कमेंट एंड यहाँ पर, ठीक है। तो अब बैनर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, डिव को मैं क्लास दे दूँगा बैनर, जैसे कि डेस्कटॉप बैनर दूंगा इसको मैं, क्योंकि मैं मोबाइल के लिए कोई अलग बैनर यूज़ करूँगा और डेस्कटॉप के लिए अलग यूज़ करूँगा। img यूज़ करता हूँ, src banner.jpg, ठीक है। अब मैं एक और div यूज़ करूँगा जो जिसमें मैं लगाऊँगा मोबाइल बैनर, और मैं इसकी क्लास देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बैनर डाउनलोड किया हुआ है पहले से, ये रहा मोबाइल बैनर, कॉपी किया मोबाइल बैनर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बैनर यूज़ किया, ये सारे बैनर आप बड़ा इजीली फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से आप कर सकते हो, फ्री पिक। तो एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ आपको, फ्री पिक वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ और जैसा भी आपको बैनर चाहिए आप यहाँ पे सर्च करो। और सबसे बड़ी खासियत बात क्या है कि उसकी आपको फोटोशॉप की फाइल भी मिलती है उस बैनर की, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करो जो भी बैनर आपको चाहिए। तो ये मैंने बैनर लगा दिया, अभी इतना सेव करता हूँ मैं इसको, दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखो, जैसे मैं चाह रहा था कि जैसे मैं स्क्रॉल करूँ, देखो हमारा हेडर ऊपर चला गया। मैं चाहता हूँ दिखे, तो दिखने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करूँगा, वो होगा पोजीशन स्टिकी, ठीक है। और टॉप से दे दूँगा 0 से इसको स्टिकी करना शुरू कर दो, ये देखो दिखता रहेगा हमें, ये देखो अब अच्छा लग रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें डेस्कटॉप का बैनर दिख रहा है, मोबाइल का भी दिख रहा है, तो इनको कर लेते हैं हम रेस्पॉन्सिव। तो हम जाते हैं नीचे, यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट करूँगा वापस से, कि अगर यहाँ पर मैं सी एस को भी सेपरेट कर सकता हूँ कमेंट करके, नहीं करना चाहता हूँ, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैनर के अंदर जो मेरा img है उसे विड्थ दे दो आप 100%, ठीक है। अब मैं क्लास चेक कर लेता हूँ, मैंने क्लास क्या दी है, अच्छा देखो मेरे डेस्कटॉप बैनर दी है, तो डेस्कटॉप बैनर के अंदर जो img है, साथ ही साथ में जो यहाँ पर मोबाइल बैनर है डिव है, उसके अंदर भी जो img है उसे भी 100% कर दो। तो यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ मैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये देखो। बट हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला दिखाना है, नीचे वाला नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये वाला बैनर है मेरा, ये वाली जो डिव है, मैं इसे क्या कर दूँगा, यहाँ पर एक सिंगल डॉट हटाते हैं, इसे मैं कर दूँगा मोबाइल डिवाइस से, इसको हम नन्ही करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि हमें मोबाइल नहीं वाले डिव नहीं दिखानी डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। इसे कर देंगे हम डिस्प्ले नन, ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो हट गई। बट मोबाइल के अंदर मुझे देखो ये दिख रही है, मोबाइल के अंदर क्या कर रहा है, मुझे दिख रही है मोबाइल के अंदर ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, जाता हूँ रेस्पॉन्सिव में, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, डेस्कटॉप बैनर कर दो आप मोबाइल में डिस्प्ले नन, और साथ ही साथ में आप क्या करो, यहाँ पे डेस्कटॉप तो बंद कर, हमने नहीं दिखाना, लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें बेसिकली मोबाइल दिखाना है। तो मोबाइल बैनर को कॉपी किया, मीडिया क्वेरी में गए, यहाँ पर किया हमने पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से, और इसे कर देंगे हम ब्लॉक, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये देखो। तो मोबाइल में हमें ये वाला बैनर दिख रहा है, डेस्कटॉप में हमें ये वाला बैनर दिख रहा है। तो बैनर का भी काम हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, बैनर हमारा पूरा रेस्पॉन्सिव बन गया, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट।
तो अब हम बेसिकली अपना बनाएंगे हमारा अबाउट अस सेक्शन। तो अबाउट अस सेक्शन बनाएंगे हम, चलते हैं एचटीएमएल कोड में, इसे यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा स्पेस मेंटेन, यहाँ पे इसे करते हैं कॉपी, वापिस से पेस्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अबाउट अस कोड, एक डिव को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अभी इससे पहले यहाँ पर हम एक कोड और बनाएंगे जो होगा हमारा हेडिंग का कोड, कि जहाँ जिस भी सेक्शन के ऊपर हमें हेडिंग डालनी है तो वो हम कोड कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर देंगे। तो हमें हेडिंग का एक कोड बनाना होगा, तो सबसे पहले मैं हेडिंग का कोड बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस इस तरीके से। तो मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ हेडिंग कोड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हर हेडिंग के नीचे एक छोटा सा बॉर्डर भी दूँ, तो बॉर्डर देने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल रो टैग का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं बनाऊँगा अपना अबाउट का कोड। तो मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट अस कोड, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये कंटेंट हट जाएगा, इसके अंदर मैं दो डिव बनाऊँगा, इसमें हमारा रहेगा इमेज और उसमें रहेगा कंटेंट दूसरा डिव के अंदर। तो इसमें मैं डाल देता हूँ क्लास का नाम अबाउट वन। तो यहाँ पर इमेज में मैं SRC डालता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कौन सी इमेज यूज़ करनी है, ये वाली, ठीक है। तो इसे कर दें पेस्ट .jpg। अब एक और डिव बनाऊंगा मैं, उसके अंदर रखूंगा अपना कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इसे देना चाहूँ तो इसे भी दे सकता हूँ अबाउट यहाँ पे टू क्लास का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना है पैराग्राफ टैग देना है, तो पी टैग के इनसाइड में मैं अपना डेटा रखूँगा। तो मैं जो डमी कंटेंट है बेसिकली मैं किस में से लूँगा, मैं यहीं से ले लेता हूँ लोरम से, यहाँ से। तो लोरम से मैं डमी डेटा ले लेता हूँ, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे और बढ़ा लूँगा डेटा को, तो दो तीन लाइन इसे कॉपी कर लेता हूँ या बीच में से या यहीं से कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से या नीचे से ले लेता हूँ। तीन लाइन मुझे चाहिए यहाँ तक की, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बड़ा डेटा हो जाए हमारा वो, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं HTML के। तो अब करते हैं इनमें CSS अप्लाई। तो CSS फाइल में आ चुका हूँ और यहाँ पे करेंगे अपना CSS अप्लाई। तो सबसे पहले मैं करूँगा हेडिंग सेक्शन के अंदर जो मेरा फॉन्ट है, ठीक है। और मैंने देखो यहाँ पर फॉन्ट टैग यूज़ किया हुआ है हेडिंग के अंदर, इसे कर दो आप डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, ताकि मैं इसकी मार्जिन पैडिंग टॉप वगैरह से दे सकूं, और साथ ही साथ मैं इसको बेसिकली हाइट वगैरह भी देना चाहूं दे सकूं। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, फॉन्ट का साइज कर देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। और अभी इतना करते हैं सेव करके रिफ्रेश, नहीं इसे करते हैं रिफ्रेश, ठीक लग रहा है, वेरी गुड। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पैडिंग दूंगा टॉप से 30 पिक्सल, बॉटम से यहाँ पे मैं दूंगा 10 पिक्सल की, ठीक है। और टॉप से देता हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे टॉप से मेरा रहेगा 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से रहेगा मेरा बेसिकली 0 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। अब हम मैं जो CSS लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा मेरे हेडिंग के अंदर जो HR टैग है उसमें लगाऊंगा। सबसे पहले इसकी जो विड्थ है मेरी उसे कर दो आप 20%, ठीक है। और बैकग्राउंड का जो कलर है उसे दे दो आप ऑरेंज। मार्जिन मैं कर दूंगा ऑटो, ताकि बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में आ जाएगा। इतना ही सेव करता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश, इस तरीके से दिख रहा है। या इसे मैं कर लेता हूँ 15% कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और करूँगा, इसकी जो बेसिकली हाइट है उसे मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। देखो बॉर्डर भी आ रहा है, तो बॉर्डर कर देता हूँ मैं नन। ये जो ऊपर ब्लैक बॉर्डर है ये मुझे नहीं चाहिए, और थोड़ा सा मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूँगा प्रॉपर्टी, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर एक राउंडनेस आ जाए 10 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, मेरा जो ये HR है HR टैग, इसके नीचे मैं थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा मार्जिन का, मार्जिन बॉटम से कितना 30 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये बन के रेडी हो चुका है मेरा हेडिंग। अब मैं सी एस एस अप्लाई करूँगा बेसिकली किस पे, बट मैं पहले इसको रेस्पॉन्सिव देख लेता हूँ। ठीक लग रहा रेस्पॉन्सिव में, ठीक है। तो अब मैं अपना अबाउट में डालता हूँ सी एस एस। तो डॉट के साथ मैंने अबाउट को कॉल किया। मुझे इस रो के अंदर बेसिकली इसे मैं बनाऊंगा डिस्प्ले ग्रिड, और इसके अंदर मुझे दो कॉलम चाहिए। तो हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लगाएंगे 1FR 1FR। देखो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि मैंने यहाँ पे 1FR वैल्यू यूज़ किया, ऊपर मैंने यूज़ किया ऑटो। तो ऑटो और 1FR में डिफरेंस ये होता है, ऑटो जिस भी डिव को जितना स्पेस चाहिए उतना ले लेगा, 1FR में क्या होता है कि दोनों कॉलम को इक्वल स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ, टॉप लेफ्ट से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ग्रिड गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल का। और मेरी जो अबाउट के अंदर जो डिव है अबाउट वन, उसके अंदर जो आईएमजी है, इमेज है, उसकी विड्थ कर दो आप कितना 100%, ताकि रेस्पॉन्सिव हो जाए। और साथ ही साथ में कॉपी करता हूँ नीचे, यहाँ पे जो मेरा टू डिव है, टू जो क्लास है, उसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगा, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देता हूँ, जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसे कर देता हूँ जस्टिफाई, ताकि चारों तरफ से बराबर आ जाए। फ़ॉन्ट की जो बोल्डनेस है उसे कर देता हूँ 600, लेट पूछा कितना होगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो 500 में, तो 600 में ज़्यादा हो रहा है, 5 कर देते हैं, 5 ठीक लग रहा है। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड करूँगा जो होगी लाइन हाइट, जो कि लाइनों के बीच में गैप मेंटेन करेगा 30 पिक्सल। ठीक लग रहा है, और बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी। तो हमारा अबाउट अस का सेक्शन भी बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी इसको मैं रेस्पॉन्सिव चेक कर लेता हूँ, ये है नहीं है, तो देखो रेस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, मैं यहाँ से सिर्फ ये कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे एक कॉलम आए। तो मैं सिर्फ यही प्रॉपर्टी में कॉल करूँगा यहाँ पे, और इसे कर दूंगा 1FR। जैसे ही 1FR करूँगा तो सिंगल कॉलम में आ जाएगा, ये देखो कंटेंट मेरा। लेफ्ट राइट से जो मैंने पैडिंग दी है उसे कर दूंगा 5 पिक्सल की, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाली तो मुझे सेम रखनी है, तो इसे रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, करते हैं रिफ्रेश। वेरी गुड, तो कितना अच्छा हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है अबाउट अ सेक्शन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हेडर बन गया है परफेक्टली, बैनर बन गया है परफेक्टली, हेडिंग कोड बन गया परफेक्टली, और अबाउट अस कोड बन गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन बनेगा वो होगा कोर्सेज सेक्शन, कोर्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे हेडिंग भी चाहिए, पेस्ट कर देता हूँ। तो हेडिंग में क्या डाल दूंगा, आवर प्रोफेशनल कोर्स। देखो मैं यहाँ पे लिख के रखा भी हुआ है इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे जो जो मुझे डेटा चाहिए, जैसे आवर पॉपुलर कोर्सेज मैंने उठाया और हेडिंग मैंने चेंज कर दी। ठीक है, देखो सेव करता हूँ, अब करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो नीचे बन के रेडी हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ये सेम टू सेम तो नहीं चाहिए, तो बाकी मुझे यहाँ से ये उड़ानी पड़ेगी, यहाँ से ये वाली डिव, इसे यहाँ से हटा देते हैं। मुझे इसमें कम से कम 3 डिव चाहिए, 6 डिव चाहिए। तो पहले मैं एक में कंटेंट डाल देता हूँ, फिर उसके बाद चेंज करूँगा। इसमें मुझे यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ इसको कोर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा कोर्स आइटम, रख लेते हैं कोर्स आइटम। ठीक है, और इसमें मेरा इमेज रहेगा, और यहाँ पे मेरा फिर कोर्स का नाम आएगा, और फिर पढ़ाने वाले टीचर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ टीचर का नाम के लिए फ़ॉन्ट, और कोर्स के लिए फ़ॉन्ट, और टीचर के नाम के लिए पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो टीचर का नाम मैं डम्मी यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं लिख के रखा हुआ है कॉपी, इसे करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। कोर्स का नाम मैं इमेज के हिसाब से रखूँगा, तो जैसे कि पहली इमेज है मेरी वेब डिज़ाइन की, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको इमेज को .jpg। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन। ठीक है, वेब डिज़ाइन। अब इस डिव को मैं जब कॉपी करना है बस, और वापस से पेस्ट 3 4 5 6 इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडवांस एक्सेल, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इमेज का नाम एक्सेल, यहाँ पे रख लेता हूँ ऑफिस,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम एस ऑफिस। तो यहाँ पे रख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन इमेज का मैं पाथ देख लेता हूँ क्या है, ये रहा ग्राफिक डिज़ाइन, कॉपी करते हैं और पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मैं ना यहाँ पर ग्रिड लेआउट का यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो क्या होता है ना कि जो काम आप ना फ्लैक्स बॉक्स से कर सकते हो वही सेम काम आप बेसिकली किससे कर सकते हो, बेसिकली आप कर सकते हो ग्रिड लेआउट से, लेकिन जो काम आप ग्रिड लेआउट से कर सकते हो फ्लैक्स से नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ग्रिड लेआउट। तो डिजिटल मार्केटिंग का रखना मुझे यहाँ पर, तो डी प्रेस करता हूँ, ये आगे मेरी इमेज। और ये जो इमेज है ना, ये सारी के सारी इमेज मैंने फ्रीपिक वेबसाइट से डाउनलोड की है। तो freepik.com आप हिट करो, वहाँ से आप सारी की सारी कैसे भी चाहो वैसे इमेजेस डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो और बेसिकली फोटोशॉप की फाइल के साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुझे करना है वेब डेवलपमेंट, तो W प्रेस करता हूँ वापिस से, ये जो मेरी वेब डेवलपमेंट की इमेज, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अभी सेव करके देखता हूँ ये इमेज सारी ठीक है नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमेज बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें लगा लेते हैं हम CSS। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉपर्टी रखनी है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको नाम रख देता हूँ मैं कोर्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1FR, बाकी सब सेम ठीक है। रिफ्रेश, अब देखो इमेज यहाँ पर कितनी बड़ी आ रही है, तो इमेज ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि डोर्स कोर्स के अंदर जो मेरा कोर्स आइटम है उसके अंदर जो इमेज है उसकी जो विड्थ है आप कर दो 100%। सेव कर दो, रिफ्रेश। तो इमेज हमारी रेस्पॉन्सिव हो गई है। तो अब मैं करूँगा इस पे वर्क अपने और इस पे। तो अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं सेम टू सेम, और यहाँ पे कर लेते हैं फॉन्ट। तो मुझे क्या देना है, सबसे पहले तो मैं इसे कर देता हूँ डिस्प्ले लॉक, फुल विड्थ ले लेगा, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगा सेंटर में। ठीक है, फॉन्ट का जो साइज़ है वो रख लेता हूँ 22 पिक्सल, और यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूँगा 20 पिक्सल की, टॉप बॉटम से लेफ्ट हैंड से 0 पिक्सल। सेम टू सेम मैं ऐसे ही से कॉपी करता हूँ, वापस से करता हूँ पेस्ट, और ये करूँगा मैं पी के लिए। ठीक है, तो पी के लिए मुझे काम करना है, लेकिन यहाँ पर मैं रख दूँगा 18 पिक्सल, और टॉप बॉटम से रख दूँगा मैं 5 पिक्सल। भी चेक करता हूँ कैसा यहाँ पर आ रहा है मेरा। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर ये सेक्शन बन के रेडी हो चुका है। अभी एक काम और करना, मैं चाहता हूँ हर एक डिव के ऊपर ना, ये जो मैं हर एक सेक्शन है इसके ऊपर मैं स्पेस कैरी कर दूँ थोड़ा सा। तो मैं कहा, या तो मैं हेडिंग में स्पेस बढ़ा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग के अंदर HR के अंदर मार्जिन बॉटम यहाँ पर मैं अगर 50 कर दूँ, या तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये ही सही है, चलो ठीक है। तो अभी एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने पैडिंग दी है मेरे कोर्स के अंदर यहाँ पे, तो मैं 10 पिक्सल कर लेता हूँ उसको, ये सही रहेगी। ठीक है, या बॉटम से मैं कर लेता हूँ, टॉप से कर लेता हूँ 20, लेफ्ट से बॉटम से 20 और बाकी 0 पिक्सल, मतलब बॉटम से 10 पिक्सल कर लेता हूँ और बाकी से 0, टॉप से 20, ये सही लग रहा है, वेरी गुड। अगर थोड़ा बोल्डनेस बढ़ाना चाहता हूँ मैं इसकी, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, बेसिकली फॉन्ट के अंदर फॉन्ट वेट यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जैसे कि अगर मैं 550 कर देता हूँ, देखता हूँ नहीं 550 तो नहीं 600 चलेगा, 500 चलेगा, 600 डालते हैं, हाँ ठीक है, बोल्डनेस अच्छा रहा है। तो हमारा आवर पॉपुलर कोर्सेज सेक्शन भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रेस्पॉन्सिव देख लेता हूँ, ये है नहीं है, देखो रेस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको भी रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हेडिंग हमारी थोड़ी बड़ी हो रही है मोबाइल के अंदर, तो हेडिंग का भी साइज़ हम कम करेंगे। तो हेडिंग का साइज़ कम करने के लिए मैं कहाँ पर जाऊँगा, ये रहा मेरा हेडिंग फॉन्ट, इसे करता हूँ कॉपी, मोबाइल में आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इसका जो फॉन्ट साइज है मैं कर देता हूँ 26 पिक्सल। लेट मी चेक कितना रहेगा, रिफ्रेश, नहीं 20 पिक्सल तो काफ़ी कम हो गया, हम डाल देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, अब सही लग रहा है 30 पिक्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम है और करता हूँ कि यहाँ पे देखो ये रेस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें मीडिया क्वेरी के अंदर कोड में करना पड़ेगा चेंज। तो ये कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट। देखो क्या है ना कि ग्रिड लेआउट में बड़ा इजी आ होता है चीज़ों को रेस्पॉन्सिव बनाना। मैं चाहता हूँ 2 कॉलम बने, 1 1F R हटाया, 2 कॉलम बन गए, और वाकई में 2 कॉलम अच्छे लग रहे हैं देखने में, नहीं सच्ची में। अगर मैं 1FR कर देता हूँ तो क्या होगा, ये इतना काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, है ना।
तो मजा नहीं आ रहा। नहीं सच्ची में वन एफ आर अच्छा लग रहा है, तो दो कॉलम अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ से जो लेफ्ट हैंड से बैटिंग है वो कम कर देता हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा नीचे आ गया यहाँ पर, और ये लेआउट ख़त्म कर रहा है इसको। अगर मैं 25% कर दूँ तो नहीं, लेआउट तो ख़त्म कर ही रहा है वैसे भी ये, तो या तो फ़ोन साइज़ कम कर देते हैं इसका, है ना, या फ़ोन साइज़ ही कम कर देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाओ। देखो मीडिया क्वेरी के साथ में आपको जो भी सेक्शन करना है उसे कॉल उठाओ, मीडिया क्वेरी में डालो, जो भी चेंज करना है, जो भी आप जिसमें चेंज करना है वो रखो, बाकी आप हटा दो। जैसे मुझे ये सब नहीं करना और मुझे ये सब हटा देना है, सिर्फ मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट में चेंज करना चाहता हूँ 20 पिक्सल। तो ये देखो 20 हो गया, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, वेरी गुड। तो ये देखो कितना अच्छा हमारे यहाँ पर रेस्पॉन्सिव हो गया पेज। तो हमारे यहाँ पर हेडर बन के रेडी है, बैनर बन के रेडी है, अबाउट अस सेक्शन बन के रेडी हो गया, आवर पॉपुलर कोर्सेज बन के रेडी हो चुका है, साथ में हमारी हेडिंग भी रेडी हो चुकी है। तो अभी जो हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे वो होगा हमारा बेसिकली आवर टीचर सेक्शन, यानी कि आवर इंस्ट्रक्टर सेक्शन हमारा सेक्शन होगा। तो मैं अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अपना आवर इंस्ट्रक्टर सेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा डेटा करते हैं कॉपी और इसी में ही कर लेंगे चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और अब जो चेंज करना है इसे रख लेता हूँ इंस्ट्रक्टर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ये, यहाँ पे जो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी किया इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं कोड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रखना है हमें आवर इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, इस तरीके से। और मुझे बेसिकली इसमें कुछ चेंज करना है, बेसिकली मुझे यहाँ पर नाम जो डेटा रखना है, देखो मैंने यहाँ पे उनका नेम क्या रखना है किस तरीके से वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से नेम को, और यहाँ पे इसको डेटा फटाफट चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिया जाएगा, फिर उसके बाद फाउंडर एंड CEO इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो है इमेज है वो भी चेंज करनी है और ये भी चेंज करनी है, तो इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये आ गया, और इंस्ट्रक्टर आइटम इस तरीके से हमारे ये बन जाएंगे, ठीक है। वैसे भी तो मैं इनको कॉपी पेस्ट करूँ भाई, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये सेक्शन जो बने हुए हैं पहले से हमारे डिव्स हैं, क्योंकि हमें नई डिव बनानी है, डेटा चेंज होगा। तो अभी मुझे यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड करनी है स्पैन टैग के अंदर, ये देखो। तो मुझे स्पैन टैग में यहाँ पर उनका फेसबुक का डिटेल और उनकी लिंक्डइन या इंस्टाग्राम का डिटेल मैंने यहाँ पर डाला हुआ, कि ट्विटर फेसबुक हम डाल सकते हैं। तो पहले तो मैं फटाफट एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो सेम टू सेम चीज़ रहेंगी वो रहेगा फेसबुक, इनके पोस्ट और फोटो सब चेंज होंगी। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ क्लास, ठीक है। अब फेसबुक आइकन ही क्या क्लास है, ट्विटर के आइकन ही क्या क्लास है, वो क्लास हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं तीन बार पेस्ट करता हूँ, और अभी चाहता हूँ यहाँ पर फोनटोसम W3 पे, क्योंकि हमने अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें इन आइकन्स के लिए कौन सी क्लास यूज़ करनी है। तो हम जाएंगे यहाँ पे ब्रांड पे, और यहाँ पे आप सर्च करो फेसबुक, देखो फेसबुक आ गया। तो मैं ये वाला फेसबुक या ये फेसबुक यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी किया और ये क्लास मैंने यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। ऐसे मुझे ट्विटर ढूंढना है, तो ट्विटर में सर्च करता हूँ, तो ट्विटर आ गया है, ट्विटर कॉपी करते हैं, या एक काम कर लेते हैं कि हम ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, जैसे इस तरह का आइकन है, ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, हाँ ये रख लेते हैं, स्क्वायर वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छे लग रहा है देखने में। तो मैं फेसबुक भी वापस से सर्च करता हूँ, ये देखो फेसबुक ये वाला, हाँ स्क्वायर वाला, तो इसे कर देते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी ईजी होता है जब आप फोन टोसम की, बस आपको फाइल लिंक करनी है, बाकी काम फटाफट जाता है। तो मुझे यहाँ पे करना है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन का मुझे स्क्वायर वाला चाहिए, तो मैंने किया कॉपी, और कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो आइकन मेरे आ चुके हैं, सेव कर दिया मैंने, करता हूँ उसे क्लोज, करता हूँ रिफ्रेश, पर देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। देखो मेरे यहाँ पे ये आइकन आ चुके हैं नीचे, देखो ये नीचे आइकन आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे इन सबकी इमेजेस भी चेंज करनी है, कंटेंट भी चेंज करना है। तो अब मैं ये वाली डिव है कॉपी करूँगा और पेस्ट, वापस से पेस्ट, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं फटाफट से इनका कंटेंट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि सेकंड का कंटेंट हमारा ये रहेगा, इसका नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और
ये फटाफट से डेटा कर देते हैं। तो आपको जो बनाते वक्त जो लेआउट ध्यान रखना है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट में अगर आप चाहते हो आइकन यूज़ करना, ठीक है, तो किसी भी तरह के आइकन आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम का सिर्फ आपको करना क्या होता है, सिर्फ आपको फाइल को लिंक करना होता है। फाइल को लिंक करके आप अपने हेडर में लिंक कर दो फाइल को, उसके बाद सिर्फ क्लास आपको किसी भी आइकन, जो भी आइकन चाहिए उसकी क्लास कॉपी करो और उसको पेस्ट कर दो जहां पर भी आपको जो आइकन चाहिए, जैसे हमने यहां पर फेसबुक ट्विटर इस पर किया हुआ है, तो काफ़ी इजी होता है। और आपको पता है कि किसी भी सेक्शन को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपना मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी का यूज़ करके आप किसी भी सेक्शन को बड़े इजी, बड़ी स्मूथली यहाँ पर आप इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने इनकी इमेज भी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इमेज यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो आई प्रेस करते हैं इंस्ट्रक्टर वन, देखो ये रहा यहाँ पे, तो वन ये है, तो मैं करता हूँ F2 कॉपी और यहाँ पे बस मुझे चेंज करना है, ठीक है। और मैंने आपको पता ही है, देखो अपनी अगर वेबसाइट में अगर कोई भी डम्मी इमेजेस यूज़ करनी है आपको, डम्मी ही नहीं भले ही आप एक एक्चुअल वेबसाइट्स पे क्यों ना काम कर रहे हो, क्लाइंट के लिए क्यों ना काम कर रहे हो, अगर आपको उनको कुछ ऐसी इमेजेस चाहिए जो क्लाइंट ने आपको नहीं दिया है, तो आप बड़ी ईजी तरीके से आप फ्री पिक से आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। फ्री पिक में बेनिफिट ये मिलता है कि आप वहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको वर्टिकल इमेज चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल इमेज, आप हॉरिजॉन्टल आप बैनर फाइंड कर रहे हैं या किस तरीके का बैनर फाइंड आप कर रहे हैं, तो बड़ा इजी होता है वहाँ से अपनी इमेज को गेट करने का। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर एक चीज़ आपको फोटोशॉप पे डिपेंडेंसी नहीं रखने की, फोटोशॉप में आपको हर एक कंटेंट बनाना, इमेज बैनर बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात होती है फ्री पिक की, वहाँ पर क्या होता है कि आपको फोटोशॉप की फाइल ही मिल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, देखो इमेजेस मेरी यहाँ पे चेंज हो चुकी है सारी, बहुत अच्छी लगी है देखने में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CSS जो मुझे यूज़ करनी है, तो मैं फटाफट से इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और जाता हूँ CSS के कोड में और हम जाएंगे मीडिया क्वेरी के ऊपर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो डॉट के साथ में कॉल किया मैंने इसको। तो मुझे इसमें क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा लेआउट में चेंज करूँगा यहाँ पर। तो जैसे अभी मैं जो करता आ रहा था 3 सेक्शन 2 सेक्शन या 4 सेक्शन में, नहीं मैं कुछ अलग डिफरेंट करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट किया मैंने, तो यहाँ पे 1FR मुझे यहाँ पे 3 सेक्शन तो चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको इतने को सेव करके मैं कॉपी इसको वो करता हूँ, देखो यहाँ पे एक तो मुझे इनकी इमेज को सेट करना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मेरे इंस्ट्रक्टर के, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं, ये कि मेरे इंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में और या वापिस से इसके अंदर इंस्ट्रक्टर जो आइटम्स है, ठीक है, आइटम है उसके अंदर जो इमेज है ना उसकी जो विड्थ है वो कर दो 100%। देखो मैं डायरेक्ट पूरा एग्जैक्ट मैं वहीं पर इसी को ही कॉल कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए यहाँ पर, ताकि परफेक्ट तरीके से मेरा वहीं पर ही कोड का रिजल्ट आए। तो देखो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। अब मैंने 5 इसलिए लिए कि मुझे चाहिए कि एक सेक्शन में यहाँ पे चाहिए और दो दो मुझे यहाँ पे बनाने हैं, तो पूरा एक। तो अब आप देखो कि यहाँ पे रो स्पैन और कोल स्पैन भी यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ग्रिड रो, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/span2, ठीक है, और ग्रिड कॉलम, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1/span2, मतलब मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, बट अभी तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लाए, मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले रो को 2 का एरिया रखे और 2 का कॉलम का एरिया ले, ठीक है। अब देखता हूँ कैसा चलता है, एक सेकेंड, और यहाँ पे हमने किया है कॉलम रो स्पैन, तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे नहीं लगाना, मुझे वहाँ पे मैं जिस सेक्शन को ये चाहता हूँ कि वो सेक्शन ज़्यादा एरिया कैरी करे उसमें मुझे वहाँ पे वो चीज़ लगानी है। तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, पर यहाँ पर मुझे इन सबके नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, जैसे आइटम है तो मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 2 कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा डिव है, ये वाला सेक्शन 2 कॉलम की जगह घेरे और 2 रो की जगह घेरे, तो इसलिए मुझे इसी को ही एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ से, इस क्लास को। अगर मैं इस क्लास का नाम चेंज नहीं करूँगा तो वो चीज़ सब में लग जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एक दो सेक्शन या 3 सेक्शन बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली 4 बना रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पर आप कुछ चेंज कर रहे हो सेक्शन में कि एक सेक्शन हमारा जो डिव है वो 2 कॉलम ले या 3 कॉलम ले या 4 कॉलम ले, तो उसमें आपको फिर क्लास का नाम थोड़ा अलग देना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं क्लास करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ वापिस और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और मैं वापिस से पूरा एग्जैक्ट इसको दूंगा कि किस क्लास के अंदर क्या रखा हुआ है, ठीक है, इसको, और तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पहला तो मैं लगाऊंगा
ग्रिड रो। जो ग्रिड है ना वो एक से स्टार्ट हो और दो तक कवर करे, ठीक है। और ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम भी एक से स्टार्ट हो और वो कवर करे दो। सेमीकोलन, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे लेट मी चेक, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्टर वन को किया है और हमने यहाँ पे एक काम, देखो हमने क्या कर दिया, हमने सभी की क्लास का नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो इस नाम की तो कोई क्लास ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सेस दे देता हूँ, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे ये आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या कर रखा मैंने, वन एफ आर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑटो कर लेता हूँ, ऑटो। तो बेसिकली आप ऑटो भी दे दो। ऑटो से क्या होता है कि आप जितना उसको स्पेस चाहिए उतना कैरी कर लेगा। आप देखो यहाँ पे सीन क्या है, मैंने यहाँ पर तीन कॉलम बनाए हैं, ठीक है, और मैंने क्या लिखा है कि जो पहला है वो दो कॉलम घेरे और दो रो घेरे। अगर दो कॉलम दो रो घेर लोगे तो यहाँ पर तो एक ही जगह बचेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार और ऑटो देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया, मतलब जितना स्पेस है उतना कैरी करेगा। अगर आप चाहते हो कि इक्वल ही ये पूरी इमेज उसमें जाए, पूरी बड़ी इमेज रखे, तो यहाँ पर आप वन एफ आर डाल दो। तो मतलब वन एफ आर ऑटो में डिफरेंस ही ये है कि वन एफ आर का मतलब है कि एक्चुअल बिल्कुल उतना ही कंटेंट लेगा, ये देखो हाइट उतनी लेगा, ठीक है, इस तरीके से कितना परफेक्ट लग रहा है। तो इस तरह का सेक्शन अगर आप बनाना चाहते हो कि यहाँ पर ऐसा दिखे, फिर यहाँ पे दो दिखे, फिर यहाँ पे दो दिखे, तो वो भी बड़ा इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजीली बन जाएगा यहाँ पर। और थोड़ा इसमें और हम चेंजेस करना चाहें तो देखो चेंजेस कैसे कर सकते हैं, कि जो इमेजेस है उनका बॉर्डर का जो रेडियस है वो दे दो आप 10 पिक्सल। तो क्या होगा, ये देखो 10 पिक्सल का रेडियस आ जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का रेडियस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक यहाँ पे आया है या नहीं आया है, लेट मी चेक, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं आएगा क्योंकि हमने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, ये देखो 10 पिक्सल का रेडियस यहाँ पे आ चुका है। तो कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे ये लेआउट लग रहा है देखने में, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे काम कर, ग्रिड गैप हमने दिया है 20 का, अगर यहाँ पे 40 कर दें इसको, तो 40 में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, परफेक्ट लग रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब जो इनकी हेडिंग्स हैं, ये सब कंटेंट है, इनमें यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको चीज़ बात समझनी पड़ेगी, तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पर इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, इस तरह से कर रहा था, तो आपको जरूर नहीं है इस तरीके से करो, आप डायरेक्ट भी इसके थ्रू इसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्लास तो यूनिक है, ये क्लास हमने कहीं दी नहीं है और कहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे बेसिकली जो आई थिंक हमने फॉन्ट दिया है, लेट मी चेक क्या दिया हमने, हाँ फॉन्ट और पैराग्राफ, ठीक है, कि जो फॉन्ट है उनकी CSS भी मैं सेम चाहता हूँ इस तरीके की रहे, कैसी रहे, इस तरीके की रहे ना, इस तरीके की भी दे सकते हैं, चलो कोई नहीं, हम देख लेते हैं किस तरह का देंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले नो कर देता हूँ ब्लॉक, और जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो कर देता हूँ 20 पिक्सल, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसे रखूँगा मैं लेफ्ट में, ठीक है, ये चेंज करूँगा मैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट उसमें रखूँगा, और पैडिंग दूँगा मैं 10 पिक्सल की, ठीक है, तो 10 पिक्सल की पैडिंग भी ठीक लग रही है, हाँ अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इसे करते हैं वापस से कॉपी, वापस से पेस्ट करते हैं, और जो इसमें पैराग्राफ दिया है हमने उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो कर दो 18, और देखते हैं कैसा लग रहा है, नहीं फॉन्ट का साइज़ हमें कम कर रखेंगे थोड़ा सा और इतना करेंगे, बट जो हमें पैडिंग हमने दी है उसे कर दूंगा मैं 2 पिक्सल की, नहीं 2 पिक्सल की नहीं 10 की रखेंगे। मैं काम करता हूँ, टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट से भी 0 पिक्सल, बॉटम से भी 0 पिक्सल, और लेफ्ट से 10 पिक्सल रहेगी, बिल्कुल ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और सेम टू सेम मैं इसी तरह की पैडिंग भी यहाँ पर दे दूंगा, तो पैडिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हो, पहले यहाँ पे मैं टॉप से भी दूंगा और यहाँ पर मैं बॉटम से भी दूंगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। या बॉटम से मैं 5 पिक्सल कर दूँ तो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारे ये हमारे जो आइकन्स हैं इन पर हम काम कर लेते हैं, कि इंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे जो डॉट लगाते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे डॉट, ठीक है, कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर क्लास है उसके अंदर जो FA आइकन है, ठीक है, FA आइकन है हमारे, और FA आइकन में हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इनका जो पहले तो हम इनको पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके, ठीक है, पैडिंग भी आ गई है, और टॉप से हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की, टॉप से 10 पिक्सल दे दिया हमने तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, या थोड़ा सा यहाँ से 12 कर देते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
तो इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर मैं चाहूँ वो भी बढ़ा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो रख दो 20 पिक्सल। लेट मी चेक, देखते हैं कितना होगा 20 पिक्सल में। हाँ अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा, खास लग रहा है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट है, तो ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो बट यहाँ पे जो पैडिंग मैंने दी है ना, यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं 12 की है ना, अगर यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ तो आई थिंक चिपक ना जाए सारे, है ना। हाँ ये चिपक रहे हैं, तो ये हमारा मुझे ये टॉप से है, ये लेफ्ट से है, ये बॉटम से है, तो ये राइट से 10 कर देते हैं। हाँ 10 भी ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, 12 ही कर देते हैं। देखो डिज़ाइनिंग में कन्फ्यूज़न तो बहुत होती है कि हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, किस तरीके से करें, किस तरीके से नहीं करें, तो ये काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा हमारा सेक्शन बन के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे देखने में तो सारे ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट। अब इनको हम रेस्पॉन्सिव देख लेते हैं, ये रेस्पॉन्सिव तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव ये है ही नहीं। ये देखो यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे तो रेस्पॉन्सिव किसी भी कीमत पे नहीं है। तो इनको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे बेसिकली कहाँ पे इसको करते हैं, पहले तो कॉपी अपनी मीडिया क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए, उसमें चेंजेस कर लेंगे। पहले चीज़ तो हमें सबको सिंगल कॉलम में चाहिए, ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश। तो सारे सिंगल कॉलम में अगर आ जाएँ तो अच्छे लगेंगे देखने में, हाँ अच्छे लगेंगे, क्योंकि ऊपर हमने दो का रखा, नीचे सिंगल, तो ठीक लगेगा। और हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट से हमने 5 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे, ठीक है। और ग्रिड गैप हमने आई थिंक हमने 40 का दिया हुआ है, तो 40 भी ठीक ही रहेगा, या फिर यहाँ पर 20 कर देते हैं, ठीक है। और हमें काम और करना पड़ेगा, ये जो हमने यहाँ पर दी है, हमने अलग से अपने एक डिव को जो हमने ये स्पैन का दिया, ये हमें नहीं देना है इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसमें यहाँ पे कर देते हैं बेसिकली, इसको हटा देते हैं, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, या इसको मैं काम कर देता हूँ, ये 1 ही कर देता हूँ बस, इसको 1-1 कर देते हैं, 1-1 करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट रहेगा, ये देखो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि जो मेरे पैराग्राफ है, कंटेंट है, सेंटर में आना चाहिए भाई, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ मेरे को यहाँ पे सेंटर में चाहिए, मोबाइल लेआउट में। तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको कॉल करो, यहाँ पर इसी में ही हम टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। ये देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दो आप सेंटर में, रिफ्रेश करो, ये हो गया। बट ये वाला हमने अलग से करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमने इसको बेसिकली डिफरेंट चीज़ हमने दी हुई है, ठीक है। तो या तो इस तरीके से कर सकते हो, हमने यहाँ पे कहाँ पे दिया, हमने आके यहाँ पे दिया इसको मीडिया क्वेरी के अंदर दिया है, तो ये हो जाएगा। फिर इसको हमने कर दिया सेंटर में, जो सेंटर में नहीं हो रहा है तो उसको हम अलग से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पैराग्राफ को, और यहीं पे करते हैं हम वापस से पेस्ट करके इसके फॉन्ट को, और जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसे कर दो सेंटर में, सेव करो, रिफ्रेश, सेंटर में आ गया, ये देखो पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 2 में रखूँ, तो लेट मी चेक, अगर 2 में हम रखते हैं इसको तो कैसा लगेगा, 1 FR, इसको अगर 2 में रखें हम तो 2 में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, 2 में काफ़ी अच्छी लुक आ रही है वैसे देखने में, है ना, 2 में काफ़ी अच्छी लुकेंगी। 2 का ही लेआउट ऊपर से बन के आ रहा है, तो नीचे भी 2 का लेआउट अगर लेते हैं ये ठीक लग रहा है। या एक काम कर लेते, एक को बड़ा कर देते हैं हम, एक को छोटा कर देते हैं, है ना, कि पहले इस वाले को बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं कि पहले वाले को हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं 1 FR 1 FR। बट इसको हम कर लेते हैं स्पैन 2, और यहाँ पे स्पैन 2 ये कर देते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे हो जाएंगे, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये लेआउट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर यहाँ से मैं हटा दूँ ये, तब भी यही लेआउट रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि हमने ऊपर दी हुई है, तो बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये जो सेक्शन था बेसिकली, ये भी बनके हमारा रेडी हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा देखने में। ये इमेज थोड़ी छोटी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर इमेज का साइज़ थोड़ा किसी का छोटा है, किसी का ज़्यादा है, सारी इमेज एक्चुअल साइज़ में नहीं है, ठीक है। तो बट फिर भी कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये हमारा कितना ब्यूटीफुल वेबसाइट हमारा बन के रेडी हो रही है, जिसमें हमारा हेडर रेडी हो चुका है, बैनर हो चुका है, अबाउट अस हो चुका है, आवर प्रोफाइल कोर्सेस सेक्शन हो चुका है, इंस्ट्रक्टर सेक्शन हो चुका है, ठीक है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मैं चाहूँ तो इस वाले को सेंटर में कर सकता हूँ, एक अलग फील आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये वाला भी करके देख लेते हैं कैसा फील आएगा और कैसा लगेगा। जैसे यहाँ पर ये इंस्ट्रक्टर 1 है ना, तो इसमें भी काम कर लेते हैं कि अगर यहीं पर ही हम 10
टैक्स अलाइनमेंट यहाँ पर दे दें, या एक काम करते हैं इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसका जो फॉन्ट है दोबारा से करते हैं पेस्ट, इसका जो पी है ठीक है फॉन्ट में और पी में क्या आपको चेंजेस करने वो कर लो कि मुझे चाहिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ पे चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। सेव करो, एक सेकेंड, इंस्ट्रक्टर वन और इंस्ट्रक्टर वन यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, इंस्ट्रक्टर हमारा है वन, ये हमारा इंस्ट्रक्टर वन क्लास के अंदर जो पैराग्राफ है और ये है जो ये हमें चाहिए बेसिकली यहाँ पे। तो मुझे काम करना पड़ेगा, ये मुझे सबसे नीचे लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्लो में ये सब ये उसके बाद में ये अप्लाई हो रहा है फ्लो में, तो फ्लो में ये अप्लाई ना हो तो इसलिए मैं सबसे नीचे लगा दूंगा इसको ठीक है, सेंटर में देखो अब हो गया ठीक है। और ऐसे ही मुझे इसको सेंटर में करना है, तो इस क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो सबसे पहले आप लिखते हो वही चीज़ चलती है ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने ये कर दिया था कि इसको उठा देता हूँ यहाँ से, इसको देने की तो नीड ही नहीं है ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसे कर दो सेंटर में ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि एक सेकेंड यहाँ से इसे कर देते हैं कॉपी इस तरीके से, आप लेट मी चेक ये क्यों नहीं हो रहा अब यहाँ पे, ये राइट में आ रहा है लेफ्ट में आ रहा है, सॉरी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे हमने क्या दिक्कत की हुई है। और यहाँ पे हमारा आ रहा है, हमने आई थिंक सबसे ऊपर भी दिया हुआ ना फॉन्ट में दिया हुआ है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, इमेज है, वन है, इंस्ट्रक्टर हमने फॉन्ट को लेफ्ट किया हुआ है, इंस्ट्रक्टर पी को हमने लेफ्ट किया हुआ है ठीक है, और हमने इंस्ट्रक्टर एफ ए को तो कुछ हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है ठीक है। एक काम कर देता हूँ, ये देखो इसमें बेसिकली आ क्यों नहीं रहा, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ ना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तब भी आ जाएगा, तो एक मैं एक काम कर देता हूँ, तो यहाँ पे इनको करने के लिए इसका पेरेंट है हमारा वन, तो एक काम कर देते हैं हमारा इसका पेरेंट है वन, तो डायरेक्ट इसको वन में लगा देते हैं, रिफ्रेश ये सेंटर में आ गया ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो एफ ए जो ये एफ ए है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या पंगा यहाँ पे, ये जो स्पैन है ये स्पैन एक इनलाइन ब्लॉक है, अगर ये पहले ये फिर उसके बगल में ये फिर उसके बगल में ये है तो सेंटर में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरा ब्लॉक लेवल है ही नहीं, इनलाइन ब्लॉक है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है आप पेरेंट को कॉल करो, जैसे हम अभी कर रहे थे डायरेक्ट इस पे लगाने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मेरे को ध्यान आया एकदम से कि ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है नहीं ठीक है, ये तो इनलाइन ब्लॉक लेवल है नहीं, तो या फिर इनलाइन है लेकिन इनलाइन ब्लॉक नहीं है और ना ही ये बेसिकली क्या है ब्लॉक लेवल है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट इसके पेरेंट पे हमने लगा दिया ठीक है। तो ये हमने कर दिया सेंटर में, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक एंड फील इसका, काफ़ी बेटर लग रहा है। तो हमारे काफ़ी कुछ सेक्शन बन के रेडी हो चुके हैं, तो अभी जो हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक सेक्शन अपना अचीवमेंट्स का सेक्शन बनाएंगे, तो बाकी तो हमारा सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमें जो सेक्शन बनाना है अपना बेसिकली बनाना है अचीवमेंट्स का, तो अब मैं एक काम करता हूँ इसे ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली मुझे जो यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर बेसिकली कितनी डिव है 1 2 3 4 5, तो मुझे 4 चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए ठीक है, तो इसे हटा देता हूँ, और मुझे इमेज भी नहीं चाहिए। तो बाकी है कि कहने का मतलब है कि मुझे हर इस डिव में चेंज करने हैं, तो मेरी जो ये डिव होगी इसमें कंटेंट भी चेंज होगा, तो एक काम करते हैं यहाँ से मुझे ये भी नहीं चाहिए ठीक है, और यहाँ से मैं काम करता हूँ इसे करता हूँ कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट आइकन को, और इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं है, और हम एक हेडिंग डाल देंगे और पैराग्राफ में हम कंटेंट चेंज कर देंगे ठीक है, जो कि अचीवमेंट्स का होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने इंस्ट्रक्टर हैं, कितने को जॉब ऑफर हुई है ठीक है, या कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डालता हूँ अचीवमेंट्स ठीक है, तो अचीवमेंट हम डाल देते हैं यहाँ पे, और एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ गड़बड़ ना हो स्पेलिंग में ठीक है, तो गूगल है हमारे पास तो चेक करने लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं गूगल से चेक करेंगे तो ठीक है, अचीव बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे रख लेता हूँ अचीव वन ठीक है इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर भी चेंज करना है, ये हमारा अचीव का कोड है, और यहाँ पे भी चेंज करना है आवर अचीवमेंट। तो सेव करते हैं इसको, एक बार देख लेता हूँ कैसा लग रहा है ये, इसको हमें ए चाहिए कैपिटल में, सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कैसा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, अच्छा रिजल्ट आ रहा है ठीक है, आवर अचीवमेंट्स आ गया। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे मुझे एक डिव चाहिए अचीव डिव के अंदर मैं 4 सेक्शन बनाऊंगा ठीक, हर सेक्शन में डिफरेंट कंटेंट रहेगा,
तो इसे कॉपी करता हूँ, इसे भी पेस्ट, इसे पेस्ट और इसे पेस्ट, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे जो आइकन है वो डिफरेंट आइकन यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे रख लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से कि अब तक कितने स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं, जैसे कि 1200 प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रख लेते हैं स्टूडेंट है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, ERTIFICA सर्टिफिकेट्स हमने कितने को दे चुके हैं। सपोज़ करो कि हम यहाँ पर 1200 आए हैं, 1000 सर्टिफिकेट हम दे चुके हैं, 1000 से प्लस, कुछ बच्चे ऐसे जो सर्टिफिकेट बिना ले चले गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं जैसे कि जॉब्स हमने कितने को दी है, ठीक है, इस तरीके से। तो जॉब्स जो हमने दी है बेसिकली वो हमने दी है 800 प्लस को, ठीक है। यहाँ पे काम और कर लेते हैं जॉब्स के अलावा, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट हो गया, कोर्सेज हो गया, और टीचर्स रख लेते हैं, ठीक है। तो INS इंस्ट्रक्टर्स कितने हैं, बेसिकली हमने वेबसाइट में तो 4-5 ही दिखाते हैं, हर पूरे तो दिखाते भी नहीं है, तो रख लेते हैं कि वो 50 प्लस हमारे जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। अब इतना सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ज़्यादा कुछ तो दिखेगा नहीं बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन्स भी डिफरेंट हमें यूज़ करने हैं। तो अब यहाँ पे वापस से मैं फ़ोन टोसम में जाना पड़ेगा मुझे, और आइकन्स निकालने पड़ेंगे, अच्छे से आइकन निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ, वेब एप्लीकेशन में जाता हूँ, अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, कंट्रोल एफ, अब ये आइकन हमें ढूंढने पड़ेंगे कि कितने किस तरह के आएगा। जैसे मैं अबाउट पर डालूँ तो नहीं, अबाउट भी नहीं आएगा, तो या टीम, टीम के नाम से सर्च करता हूँ, टीम के नाम से भी सर्च नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे ही ढूंढ लेते हैं कि कितने किस तरह के मजा आएंगे, जैसे मैं इस तरह के यूज़र, तो ये आइकन भी अच्छा लग रहा है, ऐसा हमारी टीम को डिनोट भी कर देगा, स्टूडेंट्स को डिनोट कर देगा ये, है ना। या सर्टिफिकेट के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक लगेगा आइकन हमारा। तो सर्टिफिकेट हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ये रहा, तो इससे हटा देते हैं यहाँ से, ये कर देते हैं पूरा का पूरा हम चेंज। तो ये सर्टिफिकेट के लिए हो गया। अब हमें जॉब से चाहिए, तो फॉर एग्जांपल जॉब्स के लिए हम कौन सा आइकन यूज़ करें। तो देखो अभी मैं इतना भी परफेक्टली सेम आइकन नहीं निकाल रहा हूँ, जो मुझे मिलता जुलता लग रहा है मैं उस तरह का आइकन ले ले रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, ये अच्छा लग रहा है या ये हम यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप परफेक्टली आप बैठेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आइकन डिफाइंड करना है कि कौन से आपको आइकन डालने हैं। जैसे ट्रॉफी पे मैं डाल देता हूँ, जॉब्स वाले में जो ट्रॉफी आइकन है जॉब्स वाले में रहेगा, और हमारे जो टीचर्स में मैं ये डाल देता हूँ, टीचर्स का आइकन देखते हैं और अच्छा सा मिले कोई, ठीक है। और जाते हैं आइकन ढूंढना भी एक तरह से काफ़ी डिफिकल्ट वर्क होता है कि कौन सा आइकन यूज़ करें, कौन सा हमें अच्छा लग रहा है, कौन सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा बेटर लगेगा साइट में, या कौन सा कितना अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है ना। तो वो भी चीज़, या एक काम करते हैं हम ना इंस्ट्रक्टर के रिप्लेसमेंट में क्यों ना हम सेंटर्स कर देते हैं, है ना, या ब्रांचेस कर देते हैं। ब्रांचेस है हमारी 50 प्लस, ठीक है, तो ब्रांचेस में हम ये आइकन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ये वाला। तो अब मुझे कौन सा आइकन चाहिए, ट्रॉफी हो गया, वी कार्ड हो गया, मुझे चाहिए स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं काम करता हूँ, ये जो हमारे यहाँ पे यूजर्स नाम का एक आइकन देखा था जिसमें कुछ यूजर्स बने हुए थे, वो चल सकता है, ठीक है। वो आई थिंक मेरा नीचे ही है यहाँ पे, या मैं सर्च कर लेता हूँ इसको, यूजर ये वाला, ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है। इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट, वापिस से करता हूँ पेस्ट, नहीं हुआ ये, इसे कर देता हूँ पेस्ट, एक सेकंड, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब ये काम हो गया, अब मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी चीज़ करनी है। तो उससे पहले मैं काम करता हूँ, पहले इसमें CSS लगा देता हूँ। तो जाते हैं यहाँ पे, डॉट के साथ में कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको भी दिखाना है बेसिकली मुझे ग्रिड लेआउट की तरह। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमारे कितने रहेंगे, 1FR 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 1FR, चारों कॉलम इक्वल विड्थ के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ग्रिड गैप रहेगा 40 पिक्सल का रहेगा, ठीक है। पैडिंग रहेगी 0 पिक्सल, लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल, ठीक है। लेट मी चेक कैसा लग रहा है देखने में यहाँ पे, रिफ्रेश, तो ये देखो ठीक लग रहा है। अभी आइकन हमारे ज़्यादा वो छोटे हैं ना, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। तो आइकन पे अब हम यहाँ पे आइकन पे वर्क कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो अचीव है, ठीक है,
इसके अंदर डायरेक्ट मैं एफ ए को भी कॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरे यहाँ पे ये है फिर उसके अंदर ये है, इस तरह से भी कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इनका जो मुझे फ़ोन का साइज़ बढ़ाना है वो करना है 50 पिक्सल। लेट मी चेक 50 होगा कितना, 50 पिक्सल इतना है मुझे और बढ़ाना है, मुझे अच्छे से आइकन को दिखाना है 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल ठीक लग रहा है। और अगर मैं इसे कर दूँ डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और टेक्स्ट का जो अलाइन है या तो मैं यहाँ डाल देता हूँ या फिर मैं पेरेंट में भी डाल सकता हूँ, सेंटर में हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। बट मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं इसके बैकग्राउंड में मैं सोच रहा हूँ कोई कलर दूं या कोई इमेज निकालूं। तो एक काम करता हूँ, फ्री पिक में जाता हूँ और वेक्टर इमेजेस में यहाँ पे सर्च करता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब देखो कितने अच्छे तरीके, कितने सारी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ चुकी है, तो जैसे भी चाहो वैसे आप ले सकते हो। मुझे बैकग्राउंड चाहिए कैसी, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर या पैनोरामिक, ये वाली देखते हैं, हाँ इस तरह का, वेरी गुड। तो अब ये मैं देख लेता हूँ मेरे लेआउट के हिसाब से कौन सा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे जो वाइट कलर मैं दूंगा उनको, तो ये वाला ठीक लग रहा है वैसे, हाँ ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी फ्री है, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में वैसे तो, बट आई थिंक इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो मुझे इसको तो फोटोशॉप से एडिट करना पड़ेगा, या और देख लेते हैं, बहुत सारे हैं इसमें तो वैसे भी, और चेक करते हैं। ये भी ठीक लग रहा है बट ये प्रीमियम है, इसको तो मैं यूज नहीं कर सकता। ये सारे इसमें, ये जो हमारा ये किंग का जो आइकन बना हुआ है ना, ये सारे प्रीमियम है, प्रीमियम जैसे, ये फ्री है, इसमें कुछ नहीं बना हुआ है। तो इसको देखता हूँ ये कैसा लगेगा, बस इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, फिर वही है कि मुझे सी एस एस वो फोटोशॉप यूज़ करना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए, तो मैं कुछ और देख लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कोई अच्छा लगे, या मुझे एक पसंद आया था पीछे मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, ये देखता हूँ कैसा। वैसे ये भी ठीक लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, बट थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो गया इसका, है ना, डिफरेंट सा हो गया इसका डिज़ाइन। और देख लेते हैं कोई नहीं, मैं एक बार प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, और प्रीवियस पे मुझे यहाँ पे ना एक पसंद आया था, ठीक है, मैं यहाँ पे ओल में पहले तो फ्री करता हूँ यहाँ से। देखो फ्री पिक में फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको फ्री देखने हैं या पेड देखने हैं, जैसे भी चाहिए, तो पहले तो फ्री कर लो और फ्री कलेक्शन में देखो इसमें क्या मिलेगा मुझे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें तो नहीं, कलेक्शन वाइज तो मुझे नहीं चाहिए, बैक जाओ। ये वाला भी ठीक लग रहा है, हाँ ये भी ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं और लगा देते हैं बैकग्राउंड में। ये क्या कह रहा, डू यू वांट टू हैव द क्रेडिट, अरे नहीं भाई हमको फ्री में जाना है, ये रहा फ्री डाउनलोड। और ये हमारा हो गया है डाउनलोड, इसे करते हैं ऐ कंट्रोल, और हम जाते हैं अपने यहाँ पे, इसे करते हैं पेस्ट, और किस नाम से किया था हमने पेस्ट इसे वो चेक कर लेते हैं एक बार, डाउनलोड हमने किस नाम से किया था यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट, तो ए प्रेस करो, ये आ गया। ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बैक डाल देता हूँ, बैक डॉट जेपीजी। ठीक है, इसे करते हैं क्लोज, इसे भी करते हैं क्लोज। अब आते हैं अपने सी कोड में, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे अचीव के अंदर मुझे डालना है ना, तो यहाँ पे डालता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL, तो मेरा क्या है back.jpg। अभी सेव करके मैं देखता हूँ लग कैसा रहा, ये रिफ्रेश करो, ये आ गया, आ तो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक काम करता हूँ, अपने आइकन्स का कलर अगर मैं कर देता हूँ वाइट, लेट मी चेक कैसा लगेगा, ठीक लग रहा है वैसे तो, बाकी देखते हैं इसको, मैं थोड़ा सेट करके देखता हूँ। बैकग्राउंड पहले तो इसकी पोजीशन है वो कर देता हूँ सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट आ गया, कलर आ गया, पोजीशन ठीक है, अटैचमेंट में तो कुछ नहीं करना मुझे, सेंटर आ गया है, ठीक है, इतना होता है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। या बैकग्राउंड में मैं साइज़ डाल देता हूँ, बैकग्राउंड साइज़ कवर, रिफ्रेश करते हैं, अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा लग तो अच्छा रहा है वैसे, ऐसी बात नहीं, बुरा भी लग रहा है इतना। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जो पैडिंग है ना वो अब यहाँ पे पैडिंग दूंगा, मैं 30 पिक्सल पैडिंग दूँ टॉप लेफ्ट से, हाँ अब अच्छा लग रहा है, या इसको मैं 50 दे देता हूँ, अब ठीक लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, बुरा भी नहीं लग रहा था।
तो ठीक, अब मैं काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अचीवमेंट सचिव वन के अंदर जो हमारे क्या है, जो हमारा फॉन्ट है उसमें मैं चेंजेस करूँगा। सबसे पहले तो डिस्प्ले कर दो इसको एज अ ब्लॉक, ठीक है। टेक्स्ट का अलाइन कर दो आप यहाँ पे सेंटर, कलर कर दो यहाँ पे वाइट, फॉन्ट का साइज कर दो 50 पिक्सल, ज़्यादा नहीं हो जाएगा 50 पिक्सल, अरे बहुत ज़्यादा हो गया 50 पिक्सल, तो 30 पिक्सल ही ठीक रहेगा, 30 पिक्सल या 26 पिक्सल, 26 पिक्सल भी ठीक है। और यहाँ पे हम पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट हैंड से 0 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो आइकन का साइज़ है, अगर ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, वैसे अगर 80 पिक्सल डाल दूँ तो, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी ये जो हमारा यहाँ पे, इसे करते हैं कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है उस पर भी मैं ये सेम चीज़ ही लगा दूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 कर देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, जो पैडिंग है वो करूँगा सिर्फ 5 पिक्सल की, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल अच्छा, अब ठीक लग रहा है देखने में, तो एक ब्यूटीफुल सी लुक तो आ रही है वैसे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे इसको और अच्छा कर सकते हैं, या मैं ये कलर ना देके कुछ और भी हम दे सकते हैं, ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। या एक काम कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे जो मैंने पैडिंग दी है, अगर मैं पैडिंग ना, यहाँ पैडिंग देनी पड़ेगी, बिना पैडिंग के तो मज़ा ही नहीं आएगा, या एक काम करता हूँ मैं HTML के कलर कोड निकालता हूँ, या यहाँ पे कुछ कलर कोड हम देख लेते हैं कि कुछ कलर कोड में ही हमें अच्छा लग जाए, तो देखते हैं यहाँ पर इस तरह का कलर कोड, कॉपी करता हूँ उसको, और ये सारी जो प्रॉपर्टी है इसे कट कर देते हैं, और बैकग्राउंड जो कलर है हैश के साथ में, ये, अरे ये नहीं, यहाँ पे जो कलर कॉपी किया है ये डाल देता हूँ, और रिफ्रेश करके देखते हैं, कलर भी खास लग रहा है वैसे, ये ठीक ठाक लग रहा है कलर, बट थोड़ा ब्लैक सा कुछ कलर हो जाए ना तो और देखने को अच्छा मिलेगा, या इस तरह का कलर कुछ देखें। वैसे ये इमेज जो मैंने लगाई ना बैकग्राउंड में, ये मुझे कुछ खास लग नहीं रही है, तो अब खास लग नहीं रही है उसे लगाना कुछ बेनिफिट भी नहीं है, तो चलो ये भी ठीक ही लग रहा है, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पे मैं एक काम और करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, वो मैं करके देखता हूँ क्या, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अचीव वन है, अगर मैं इन सभी पे बॉर्डर लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि बैकग्राउंड में इन सभी के मैं कलर दे दूँ वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट कैसा लगेगा, है ना, हाँ ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा, तो इमेज का पंगा ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं कलर बना दूँ तो बाई डिफॉल्ट कलर तो इनका ब्लैक ही होता है, ठीक है, तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से कलर, तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रख लेते हैं। वैसे भी हमारा जो वेबसाइट का हेडर है वो भी ब्लैक एंड वाइट का ही कॉम्बिनेशन है। या फिर एक काम और कर सकता हूँ जो मेरे को अभी याद आया है, या मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है, अगर मैं इसे पर्पल दे दूँ तो भी अच्छा लगेगा, पर्पल के साथ ही भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा लग रहा है, और ये कलर तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ब्लैक के साथ में पर्पल ठीक लग रहा है, वो करके देखते हैं अभी, अगर मज़ा आएगा तो उसको रखेंगे, नहीं आएगा मज़ा तो उसको हटा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी एक काम करते हैं, जो अचीव है इसके अंदर हम पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट हैंड से 0 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छा दिखाने के लिए बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी जो मुझे लगती है, जो किसी भी बॉक्स का लेआउट ही चेंज कर देती है, अच्छा लग रहा है। वैसे पर्पल कलर भी ऐसा बुरा नहीं लग रहा है, तो अब इसको देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। रेस्पॉन्सिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है इसको रेस्पॉन्सिव, तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए बड़ा इजी है, इसे करो कॉपी, जाते हैं अपने हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी के अंदर, इसे करते हैं पेस्ट, और इसे कर लेते हैं यहाँ पे सबको अलाइन, और इसको भी कर लेते हैं अलाइन, एक ब्लैंक स्पेस हटा देते हैं, तो मैं अगर यहाँ से कर देता हूँ इतना, और लेफ्ट राइट से मैं करता हूँ 5 पिक्सल, लेट मी चेक कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर अगर मैं 15 पिक्सल दे देता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, या 15 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और एक काम और करना है, मैं चाहता हूँ जो फॉन्ट है, जो मेरा आइकन है ना, आइकन का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो आइकन का साइज क्यों ना हम छोटा कर लें, तो इसे कर लेते हैं यहाँ से सेक्शन कॉपी, कोड कॉपी किया,
और अब हम गए मीडिया क्वेरी में। देखो कितना इजी होता है मीडिया क्वेरी सारा काम करना, बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब तो मुझे कुछ चेंज छेड़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ साइज छेड़ना है। ठीक है, 50 कर देता हूँ रिफ्रेश। हाँ 50 में ठीक नहीं लग रहा मुझे, 60 देखते हैं, 60 अच्छा तो लग रहा है, 70 देखते हैं, 70 नहीं 65 कर लेते हैं, 65 ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ इनके फ़ॉन्ट के जो साइज़ है ये भी कम करूँ, फ़ॉन्ट का साइज़ ही मुझे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कॉपी किया सिंपल पी और एफ, और यहाँ पे गए, यहाँ पे करा मैंने पेस्ट, और मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको तो हटा देते हैं। और पैडिंग तो मुझे चाहिए, ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, पैडिंग मेरे लिए ठीक है, ठीक है। और थोड़ा इसको अलाइन कर लेते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो देखने में अच्छा लगे। जो कोड को जितना आप अच्छी तरीके से ना वेल मेंटेन करके लिखोगे वो तो उतना ही आपको भी काम करने मजा आएगा और सामने वाले पर्सन को देखने में मजा आएगा। इसे कर लेते हैं हम 16, लेट मी चेक कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, या इसे कर लेते हैं 18, ठीक है, और इसे कर लेते हैं 22, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमारा आवर अचीवमेंट्स का भी सेक्शन बन के हमारा रेडी हो चुका है जो कि फुल रेस्पॉन्सिव है। ये देखो ये आया मोबाइल पे, ठीक है, ये आया हमारा डेस्कटॉप पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा अभी वेबसाइट। अभी तो हमें काफ़ी सेक्शन ऐड करने हैं, हमें रिव्यू का सेक्शन ऐड करना है, फिर कॉन्टैक्ट का सेक्शन ऐड करना है। तो अभी तक तो हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी अभी वेबसाइट लग रही है। तो अब हमारा जो बेसिकली सेक्शन बनेगा वो सेक्शन बनेगा हमारा रिव्यू का सेक्शन। तो रिव्यू सेक्शन बनाने के लिए वापस से मैं इस कोड को करता हूँ यहाँ से कॉपी, और देन मैं यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं ऐड करूँगा, मैं सिर्फ 2 रिव्यू ऐड करूँगा, ठीक है, सिर्फ 2 रिव्यू, और 2 रिव्यू ठीक और काफ़ी रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे ना एक लाइन यहाँ पे रखी हुई है लिखने के लिए यहाँ पे, कि जो मैं चाह रहा था यहाँ पर ऐड करना, ये व्हाट आवर स्टूडेंट सेज अबाउट अस, ये वाला, ये लाइन मैं चाह रहा था यहाँ पर लिखने के लिए। तो ये हटाता हूँ और ये हेडिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और हेडिंग मैंने डाल दी है, इसे मैं बेसिकली इसको भी चेंज करूँगा। तो ये जो मेरा रहेगा ये रहेगा रिव्यू, और ये रहेगा रिव्यू रिव्यू 1 और देन रिव्यू यहाँ पर 2। तो देखो ये रिव्यू 1 ही 1 रहेगा, मुझे दोनों में सेम काम करना है। लोगो यहाँ पे मुझे हटाना है आइकन, और यहाँ पे इमेज मुझे ऐड करनी है, तो मैं SRC में डाल देता हूँ। यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको हटा दूंगा, IMG लगाऊंगा, SRC यानी कि सोर्स डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा हुआ है कि मुझे क्या नाम डालना है, तो मैं बस यहाँ से ये उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ और ये डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं लिंग क्वीन हुइंग जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और ये क्या है, जैसे कि ये है GRAPHIC ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, और ये है जैसे कि वेब डेवलपर, ठीक है। अभी इन्होंने क्या चीज़, अब ये देखो इसमें ना एक काम और करना है, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट लूँगा, यहाँ पर पैराग्राफ है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ डेटा भी ऐड करना है, जैसे कि इसके नाम के नीचे पहले इमेज रहेगा और फिर कंटेंट रहेगा ना, हाँ ठीक है, फिर इमेज रहेगा, फिर कंटेंट रहेगा, फिर इनका नाम रहेगा, या फिर इमेज नाम और फिर कंटेंट, ये कर लेते हैं, चलो इमेज नाम और फिर कंटेंट ये डाल देते हैं यहाँ पर। तो इस वाले को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले को मैं क्लास दूंगा, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे, रिव्यू कंटेंट, ठीक है, RVIU रिव्यू कंटेंट इस तरीके से, ठीक है, रिव्यू कंटेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो रिव्यू का जो कंटेंट है वो मैं सेम ही रख रहा हूँ, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ उसको, उठा के सिंपल अभी सेम ही रख देते हैं, ठीक है, और कहाँ पे गया ये, ठीक है, इसको क्या पेस्ट। अब इस सेम को नहीं, सेम को नहीं, सिर्फ इसे मुझे यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो एक बार मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं इमेज देखता हूँ, आई थिंक मैंने इमेज यहाँ पे डमी सेव की हुई है, तो यहाँ से देख लेता हूँ कोई इमेज यहाँ पे अच्छी सी जो मैं इसमें ऐड कर सकूँ। ये रहा Team 1 और Team 2, एक में Team 1 कर देता हूँ, एक में Team 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा Team1.jpg, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर Team2.jpg, ठीक है। अभी इसको सेव करके देखते हैं कैसा रिजल्ट बेसिकली आ रहा है। हम चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं, नीचे नीचे नीचे, ठीक है, आ तो अच्छा लग रहा है, व्हाट आवर फ्रेंड्स से अबाउट अस। तो बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी हेडिंग भी काफ़ी बड़ी लग रही है,
तो मैं ना इसमें भी थोड़ा कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर, हमारी हेडिंग का कोड सबसे ऊपर मिलेगा यहाँ पे। तो मैं करना चाह रहा हूँ इसको 30 पिक्सल अगर करूँ, हाँ ये अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा बड़ी हेडिंग हो गई थी हमारी वो। और एक काम मैं और करना चाह रहा हूँ कि इस हेडिंग के ऊपर थोड़ा स्पेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60 ऊपर से, ठीक है। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है 60 पिक्सल का गैप करके, हाँ सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है 60। हमने पैडिंग कर दिया फ़ोन की टॉप से, देखो अगर मैं शो कर दूँ तो शो कितना हो जाएगा, लेट मी चेक, शो भी अच्छा लग रहा है वैसे, 100 कर देते हैं, ठीक है 100 ही सही रहेगा। और फ़ोन साइज मैंने कम कर दिया इसका। तो अब मुझे करना क्या, देखो अब ये जो मेरी रिव्यू है इसे फटाफट से क्लास कॉपी करूँगा मैं। अब जाता हूँ CSS में और यहाँ पे सबसे, तब जाऊँगा बॉटम में, यहाँ पे इसे करता हूँ पेस्ट। और इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला जो CSS ऐसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ मैं इसे पूरी को पेस्ट। मुझे 2 कॉलम चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 रखूँगा, बाकी चीज़ मैं सब सेम में रखूँगा। ये वाला तो मैं 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। बट बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पर नहीं देना है, बैकग्राउंड कलर की मुझे नीड नहीं है, ठीक है। इमेज हमारी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे करते हैं कि रिव्यू के अंदर, डॉट रिव्यू के अंदर जो भी इमेजेस हैं उनकी विड्थ कर दो आप यहाँ पे 100%, ठीक है। और 100% वैसे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझे, है ना, क्योंकि इमेज भी की क्लियरिटी भी थोड़ी ब्लर आ रही है यहाँ पे, है ना। हाँ तो ये काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा काम करता हूँ, अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50%, तो ये आ जाएगा पूरा सर्कल में। बट ये सर्कल में प्रॉपर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉपर आ नहीं रहा, मुझे पूरा राउंड अप चाहिए। अभी इमेज की क्वालिटी कुछ ऐसी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ अगर 100% ना दूँ तो ऐसा कर लेते हैं, बट विड्थ हमें देनी पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस, या मैं एक इमेज और ऐड कर दूँ तो कुछ कुछ ठीक लग सकता है। तो 3 रिव्यू कर लेते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ से करते हैं कॉपी, वापिस से करते हैं पेस्ट। वैसे तो मैं 2 ही रिव्यू करने की सोच रहा था, या एक काम करते हैं हम, एक तरीका मैंने सोच लिया है, 2 ही रिव्यू डालेंगे, बट हम जो इमेज है ना, इसकी जो इमेज की जो विड्थ रहेगी, अगर मैं उसे 300 पिक्सल बाय हाइट में अगर देखता हूँ 150 से काम चल जाए, इतना कर लेते हैं 150 पिक्सल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। और अगर मैं इसको भी 300 कर देता हूँ, 300 बाय 300, हाँ काम तो चलना चाहिए वैसे। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हो जाएगा मेरा सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया कंटेंट, ठीक लग रहा है। तो ही डाल देते हैं, वैसे 3 डालूंगा तो वो 3 में थोड़ा और मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर देखने को लगेगा। बट मैं सोच रहा हूँ जैसे यहाँ पे 3 सेक्शन है, यहाँ पे हमने 4 किया, यहाँ पे फिर 4, तो यहाँ पर मैं 2 करने की सोच रहा था कुछ इस तरीके से। या अगर मैं, लेट मी चेक, अगर मैं 3 करूँ तो कैसा लगेगा देखने में। तो अगर मैं इसे कॉपी करके वापस से यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, और यहाँ से मुझे इसको करना है team 1 है ना, team 2, और यहाँ पे कर दूँ team 3, ठीक है। और CSS में मुझे करना पड़ेगा एक बार और 1FR 1FR, रिफ्रेश करो, 3 भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नहीं 3 ही रखते हैं, डन। तो 3 हम फाइनल कर देते हैं। तो अभी हम करेंगे कि रिव्यू के अंदर हमारा जो फॉन्ट है, आई थिंक हमने फॉन्ट ही दिया ना, लेट मी चेक, हाँ फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ है, नहीं फॉन्ट है पैराग्राफ, ठीक है, कि जो फॉन्ट है उसका, उसे कर दो सबसे पहले आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। और यह काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं बार बार क्यों प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे, इसके यहीं पर अगर मैं डाल देता हूँ इस तरीके से, तो मैं देखता हूँ कैसा रिजल्ट आ रहा है, रिफ्रेश करो, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और मैं इसी को उठा के अपना यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरा पैराग्राफ टैग है, इस तरीके से ये भी ठीक लग रहा है। बट इसमें क्या होता है ना कि कई बार हमें, मुझे इसमें डिफरेंट देना है, उसमें डिफरेंट देना है, तो उस हिसाब से ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अलग से ही देना, ठीक है। तो अलग से देने के लिए मैं सिंपल फॉन्ट है यहीं पर रख लेता हूँ, जो फॉन्ट का जो साइज़ है मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल, पैडिंग मैं रखूँगा यहाँ पर टॉप से 5 पिक्सल रखूँगा, सिर्फ 5 पिक्सल और 0 पिक्सल ये रखूँगा, ठीक है, इतना ही रखूँगा, या मैं ऊपर से थोड़ी सी 10 पिक्सल दे देते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो इस रिव्यू के अंदर यहाँ पे हमारा जो
मैंने क्लास दी है, वैसे इस क्लास को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो पी है डायरेक्ट, डायरेक्ट इस पी को कॉल करता हूँ कि जो डायरेक्ट पी है हमारा इसमें, ये देखो डायरेक्ट पी है, तो इसे कर लेते हैं डिस्प्ले। यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लॉक फॉन्ट का जो साइज है बेसिकली, तो फॉन्ट का जो साइज है मैं रख लेता हूँ 18 पिक्सल का, सेव करके देखता हूँ। 18 पिक्सल ठीक लग रहा है, 18 पिक्सल भी बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो लाइन हाइट है उसे कर लेता हूँ मैं 30 पिक्सल, ठीक है, करता हूँ रिफ्रेश। लाइन हाइट 30 पिक्सल ना करके 28 पिक्सल कर लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ठीक लग रहा है। अभी देखो अभी इसके में क्या है ना कि दोनों पैराग्राफ टैग है तो इसलिए उठा रहा है, बट मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे नीचे डाल के, और जो मैंने क्लास यहाँ पे दी थी ना तो यहाँ पे वो क्लास डाल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे रिव्यू कंटेंट दिया था, तो ये क्योंकि इसके लिए मैं कुछ अलग लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं रिव्यू कंटेंट रख देता हूँ, ठीक है। और ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है 16 रख देता हूँ, ये देखो 16 हो गया। लाइन हाइट मैं 20 रख के देखता हूँ, लेट मी चेक कैसा रहेगा, या 25 कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर जो पैडिंग है मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल की, लेफ्ट हैंड से 0 पिक्सल, सेव कर दें, रिफ्रेश। 10 पिक्सल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो 5 पिक्सल यहाँ पे जाते हैं वापस, 5 पिक्सल देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। हाँ अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब एक काम और करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेरे जो ये सेक्शंस हैं रिव्यू वन, अगर इसमें मैं एक चीज करके देखता हूँ, लेट मी चेक, अगर वो डिजाइन के पर्पज से ठीक लगी मेरे को तो ठीक रखेंगे, नहीं तो फिर उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको बॉक्स शैडो देता हूँ, ठीक है, जैसे कि 3 पिक्सल 3 पिक्सल, यहाँ पे भी 3 पिक्सल, यहाँ पे 6 पिक्सल, पिंक में देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा तो लग रहा है वैसे। यहाँ पे कर लेते हैं 3 पिक्सल, और यहाँ पे कर लेते हैं 4 पिक्सल करें तो नहीं, यहाँ से हम 2 पिक्सल कर दें, 1 पिक्सल कर लेते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ देखने में तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक काम और कर देते हैं, हम पैडिंग दे देते हैं टॉप से 30 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल, सेव कर दें, रिफ्रेश, बिल्कुल ठीक है। और हमने यहाँ से भी दिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा ये। एक काम करता हूँ, टॉप से 30 पिक्सल, लेफ्ट से और नीचे से देता हूँ 5 पिक्सल, बाकी से 0 पिक्सल, क्योंकि नीचे ज़्यादा स्पेस आ गया था, ठीक है, वेरी गुड। अब अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको रेस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, रेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी नहीं है। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, कहाँ गया हमारा रिव्यू, ये लाइन हमें कॉपी करनी है, वापस आना है अपने अपने मीडिया करके कोड में, इसे करना है यहाँ पर, जो चीज़ हमें रखनी है उसे रखो, जो नहीं रखनी उसे हटा दो। जैसे कि मुझे यहाँ पर 5 पिक्सल का गैप देना है, सिंगल कॉलम रखना है मुझे, सिंगल सिंगल कॉलम रखने हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो ये मेरे सिंगल सिंगल कॉलम रहेंगे, सिंगल सिंगल ही कॉलम रखेंगे हम तो, ठीक है, वेरी गुड। तो नाम तो बेसिकली हमने एक ग्राफिक डिज़ाइनर तो उसका नाम चेंज कर लेता हूँ वैसे, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर है तो इसे कर देते हैं UI डिज़ाइनर, ठीक है, इस तरीके से, ताकि कोड में थोड़ा सा चेंज हो जाए कि हाँ अलग अलग है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर आप मैं आप कलर करना चाहूँ उनको थोड़ा और कलर दे सकते हो कि ये थोड़ा अलग डिफरेंट कलर में आ जाए, तो जैसे मैं HTML कोड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जो थोड़ा ठीक लगे, लाइट कोड रहे, जैसे कि ये वाला, अगर मैं लाइट कोड करूँ, कहाँ पे करना है मुझे लाइट कोड, मेरा जो पैराग्राफ है, मतलब कि जो ना रिव्यू में जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, तो रिव्यू कंटेंट मेरा कहाँ पर है, ये रहा। तो इसका अगर मैं कलर करना चाहूँ, कलर जो मैंने एक्स्ट्रा के साथ में पेस्ट करते हैं यहाँ पर, इसे करते रिफ्रेश, नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, बद्दा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बद्दा लग रहा है। ये वाला कलर देखते हैं कैसा लगेगा, सेव करते हैं, रिफ्रेश, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। और अगर मैं अपने पैराग्राफ का या अपनी जो मेरा फॉन्ट है, यानी कि जो मेरा यहाँ पर नाम है, इनका नाम है जो, अगर इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पर कलर पर्पल, तो लेट मी चेक कैसा लगेगा देखने में, पर्पल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक लग रहा है, ऐसे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। या फिर इसको ना करके कलर हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये देखो ये भी ठीक लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा हमारा ये बन गया है, 3 ही हमने रखे हैं, ज़्यादा हमने नहीं रखे हैं बड़े बड़े, तो 3 काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लुक एंड फील हमारा वेबसाइट का आ रहा है, काफ़ी सेक्शन हम क्रिएट कर चुके हैं।
तो अभी हमारा जो सेक्शन बनेगा बेसिकली अचीवमेंट रिव्यू हो चुका, अब हम बनाएंगे अपना कॉन्टेक्स्ट का सेक्शन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें रिव्यू चेक कर लिया, इसे करना है सिंपल कॉपी। कॉपी करके हम यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और हम यहाँ पे डालेंगे कनेक्ट विद अस, जैसे कि कनेक्ट विद अस, ठीक है। कनेक्ट विद अस में डाला, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सेम टू सेम आ गया। बट नीचे हमें क्या रखना है, मैप रखना है। तो इसको तो पहले तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और मुझे मैप ना रखे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा अपना कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे फॉर्म रहेगा, एक अच्छा सा बड़ा फॉर्म रहेगा, तो वो फॉर्म रखेंगे हम। तो इसके अंदर मैं फॉर्म बनाऊँगा, तो इसे कर लेता हूँ, यहाँ से हटा लेता हूँ, इसे कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म का नाम दे देता हूँ, या जैसे कि कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म इस तरीके से, और इसे डाल देते हैं कॉन्टैक्ट वन का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म बनाने में ज़्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट फील्ड रहते हैं फॉर्म के लिए वो मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाता हूँ, किसके लिए, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप यहाँ पे रखते हैं इक्वल में टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम का, रिक्वायर्ड फील्ड लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसे करता हूँ फटाफट से कॉपी, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ईमेल के लिए, यहाँ पे हम रख देंगे ईमेल आईडी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फ़ोन के लिए, और यहाँ पे इसको एंटर करके हम यहाँ पे लगाएंगे एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में हम डाल देंगे यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैसेज डाल देते हैं, ठीक है, और रिक्वायर्ड फील्ड लगा देते हैं। साथ में जो रोज़ है, रोज़ में डाल देता हूँ, रोज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं 8 डाल देते हैं, कॉलम बाद में डाल लेंगे। इनपुट टाइप यहाँ पे रख लेते हैं सबमिट, बटन बन जाएगा, और प्लेस होल्डर बटन में लगता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डालूँगा वैल्यू, VAL वैल्यू रिक्वायर्ड हम यहाँ से हटा देते हैं। तो वैल्यू में मैं जो डालूँगा वो डाल देता हूँ सेंड, ठीक है, इस तरीके से सेव करता हूँ। अभी सेव करके चेक करता हूँ, रिफ्रेश करके, तो देखो फॉर्म कैसा आ रहा है हमारा, अजीब आ रहा है बिल्कुल। तो इसे करेंगे हम यहाँ पर बेसिकली CSS, तो मैं यहाँ पे हाइफन दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से, कॉपी करते हैं इसको और आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेस्ट करता हूँ इसको, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, इसको करना है डिस्प्ले, मुझे यहाँ पर इसे करना है ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बेसिकली 1FR रहेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, सीधा ऊपर से कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ से, ये जो मेरा रिव्यू का सेक्शन, इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सिंगल चाहिए एक कॉलम, ठीक है, और इसकी जो विड्थ रहेगी मैं रखूँगा 70%, मार्जिन रखूँगा ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसके अंदर जो मेरा इनपुट है उसमें मैं चेंजेस करूँगा। सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो कर देता हूँ 45 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे कर देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, ठीक है। आउटलाइन यहाँ पे कर देता हूँ नन, विड्थ मैं कर देता हूँ 100%, मार्जिन मैं टॉप कर देता हूँ 2%, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं पैडिंग लगा दूँगा 10 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पे देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा। अब मैं जो टेक्स्ट एरिया है वो, तो इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो टेक्स्ट एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इसकी जो विड्थ है उसे कर लेता हूँ 100%, पैडिंग कर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। और यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी भी लगा, क्योंकि देखो इनपुट बॉक्स नहीं है ना ये, क्योंकि ये हमारा बेसिकली क्या है, ये टेक्स्ट एरिया है, इसलिए अलग से करना पड़ रहा है। ये बटन है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन हुआ बटन के अंदर में। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर इनपुट है, तो यहाँ पे टाइप पे रख लेते हैं हम क्या है, टेक्स्ट, कि जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड का जो कलर है उसे कर दो ब्लैक, आउटलाइन कर दो हमारी यहाँ पे नन, ठीक है, बॉर्डर कर दो यहाँ पर नन, विड्थ कर दो यहाँ पर 30%, मार्जिन कर दो यहाँ पर सेंटर में रहेगा सेंटर, सेव कर देते हैं। एक सेकंड में क्या कर दिया, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट नहीं, इनपुट टाइप हमारा सबमिट है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा जो कलर है वो हो जाएगा वाइट, बॉर्डर की जो रेडियस है वो हो जाएगी हमारी 10 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, और कर्सर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंटर, सेव करते हैं, रिफ्रेश, बिल्कुल फॉर्म हमारा बन के रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो फॉर्म हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है, इसे देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव है नहीं है। तो रेस्पॉन्सिव तो बिल्कुल है, इसको तो अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा पूरा फुल विड्थ ले तो ले सकता, नहीं तो फिर भी ठीक लग रहा है, इतना भी हमारा फॉर्म बुरा नहीं लग रहा है। वैसे करना चाहते हो कर सकते हो, कि जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं किस चीज़ में चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, ये चाहता हूँ इसमें चेंज करना, तो कॉपी किया मैंने, और मैं कहाँ पे जाऊँगा, अपने मीडिया क्वेरी के लास्ट में गया, यहाँ पर किया मैंने पेस्ट, इस तरीके से इसको किया अलाइन, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है मैंने कर दी यहाँ पे 90%, बाकी चीज़ तो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, रिफ्रेश इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं एक अभी इसका अगर बटन की जाऊँ तो बटन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या बेसिकली, तो हम एक काम करते हैं, या इसको मैं 95% कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक लग रहा है 95% भी। तो अभी अगर बटन को मैं बड़ा करना चाहूँ तो बटन भी बड़ा कर सकता हूँ, कहते हैं सिंपल में जाऊँगा ऊपर, और हमारा ये जो कोड है इसे करना है कॉपी, वापिस आना है मीडिया क्वेरी में, इसे करना है यहाँ पर पेस्ट, मैं इसे कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पे अलाइन इस तरीके से। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे सिर्फ विड्थ को बढ़ाना है, बाकी और कुछ भी मुझे नहीं छेड़ना है यहाँ से। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी मैं चढ़ा देता हूँ, और जिससे मुझे चेंज करना है मैं उसको रखूँगा, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 50%, और देखता हूँ कैसा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, तो 50% ठीक है। और एक काम मुझे और करना था, मैंने आई थिंक मैंने पैडिंग जो दी हुई है इसमें कितनी दी हुई है मैं देख लेता हूँ, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने पैडिंग टॉप से नहीं दिया, ग्रिड गैप 40 है, तो फिर भी ठीक लग रहा है, पैडिंग भी परफेक्ट है, और डेस्कटॉप पे देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ तो बेसिकली हमारा ये आ गया, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है, इसके नीचे हम यहाँ पे क्या डालते हैं, अपना मैप भी डाल सकते हैं। तो मैप डालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी में ही डाल सकते हैं, तो इसी में डाल सकते हैं या फिर डिफरेंट अलग तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ या तो इसी के साइड में डाल दूँ, साइड बाय साइड चीज़ें रहें, या इसके बॉटम में रहे, तो एक काम करते हैं बॉटम में डाल लेते हैं। तो इसे करते हैं यहाँ से, इसे करेंगे सिर्फ कॉपी, हेडिंग नहीं डालेंगे हम, हेडिंग चेंज नहीं करेंगे, इसी को रखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा मैप, ठीक है। और या तो मैं इस मैप में तो इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, देखो मैप कैसे लगाएंगे, देखो आप जाओ यहाँ पर, और यहाँ पे आप किसी का भी मैप सर्च कर लो, जैसे कि 7RCR गूगल मैप, ठीक है, इस तरीके से, और इस पर क्लिक करो, मैप आ जाएगा, और यहाँ पे जाओ देखो शेयर पे जाने के बाद एम्बेड पे जाओ, इसे करो कॉपी, और ये कॉपी करने के बाद यहाँ कर दो पेस्ट, सेव करो, और इसे कोड मार्क करो रिफ्रेश, जाओ बॉटम में, मैप हमारा लग गया। बट हमें करना क्या है इसमें, इसकी जो देखो विड्थ है उसे कर देंगे हम 100, सेव करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे 100% कर देंगे, सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो 100% आ गया, गूगल मैप हमारा बिल्कुल लग गया। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, जैसे कि क्लास माई मैप के नाम से, ठीक है। अब मैं ये क्लास एक्सेस कर, या तो मैं यहीं पे दे देता हूँ, या चलो मैं मैप करके अपनी CSS में ही अलाउ यहाँ पे हम करेंगे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं। तो इसे करते हैं पेस्ट यहाँ पर, और मैं बेसिकली मैं क्या दूंगा, पैडिंग दूंगा टॉप से और बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। अगर लेफ्ट राइट से देना चाहूँ दे सकता हूँ, बट लेफ्ट राइट से देने का कोई मतलब तो नहीं बनेगा, लेकिन एक अच्छा लुक एंड फील हमारा यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रेस्पॉन्सिव चेक करता हूँ, आते हैं मोबाइल में, तो रेस्पॉन्सिव भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कनेक्ट विद इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर पैडिंग देता हूँ 25 पिक्सल की लेफ्ट राइट से, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा भी हेडर पूरा कंप्लीट हो गया है, बैनर हमारा कंप्लीट है, अबाउट अस कंप्लीट है, आवर पॉपुलर कोर्सेज सेक्शन बन गया है, आवर इंस्ट्रक्टर सेक्शन बन गया है, अचीवमेंट सेक्शन, हमारा टेस्टिमोनियल, देखो टेस्टिमोनियल हमने स्टूडेंट्स करना था, देखो उसकी स्पेलिंग गलत कर दी है, इसे कर लेते हैं ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश, बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी देखो, अब हम जो हमारा कोड जो चलेगा वो हमारा फूटर का कोड चलेगा, और फूटर का कोड बहुत ही मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी डालना। तो मैं क्या करूँगा, वापस आएंगे HTML के कोड में, और यहाँ पे एक काम करते हैं, कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं ये, ठीक है। हेडिंग तो मुझे देने नहीं है, सिर्फ मुझे सेक्शन कोड कॉपी करना है यहाँ से, और इसे भी चेंज करना है, ये है मैप का कोड, ये मैप का कोड एंड हो गया है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं,
और यहाँ पे ये हमारा है कॉन्टैक्ट का कोड, ठीक है। तो अब इसे यहाँ से इसे कॉपी नहीं करेंगे हम, ऊपर वाले को कॉपी कर लेंगे, या कॉपी नहीं करते हम, सीधा बना ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये कॉपी करनी है यहाँ से, ठीक है। ये डाल दिया हमने, ये आ जाएगा हमारा फूटर कोड, ठीक है। फूटर में मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ, फूटर को मैं ज़्यादा स्टाइलिश है, ज़्यादा उसके अंदर फालतू चीज़ नहीं डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ कॉपीराइट हिट मैं डालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फूटर नहीं, फूटर कोड नहीं, यहाँ पे हमें लिखना है सिर्फ एंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक डिव बनाएंगे, डिव को क्लास दे देंगे फूटर, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कर देते हैं ये। और इसके अंदर मैं डालना चाहूँगा फॉन्ट को, इस तरीके से फॉन्ट के अंदर मैं डालना क्या चाहूँगा कि जैसे सब ए बी सी, ठीक है। या एक काम करता हूँ, द एजुकेशन अकेडमी ये डाल देता हूँ, ठीक है, द एजुकेशन अकेडमी। या एक काम करते हैं कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट और राइट्स रिजर्व्स, रिजर्व और राइट्स रिजर्व, और यहाँ पे डाल देते हैं द एजुकेशन अकेडमी डॉट कॉम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी सेव करता हूँ, देखता हूँ कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका, ठीक लग रहा है। अभी CSS यूज़ करेंगे हम, तो फूटर को मैंने क्लास को किया कॉपी, और हम यहाँ पे गए और इसके यहाँ पे किया मैंने इसको पेस्ट। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें तो मुझे यहाँ पर बेसिकली सिर्फ पैडिंग ही देनी है और कुछ नहीं देना, सिर्फ पैडिंग मुझे देनी है 30 पिक्सल, सेम ऊपर की तरह 25 पिक्सल। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। और अब मेरा जो ये फूटर है इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये भी मैं इसमें दूंगा, इसमें दे देता हूँ मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको, ठीक है। और डॉट फूटर के अंदर देखो, मेरा जो ये फूटर के अंदर जो फॉन्ट है इसमें चेंज करूँगा, सबसे पहले इसका जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट, और इसे कर दूंगा मैं डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि अगर मैं हाइट या देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, तो डिस्प्ले करता हूँ ब्लॉक। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है मैं कर देता हूँ उसको सेंटर। फॉन्ट का जो साइज है ज़्यादा बड़े रखेंगे, 16 पिक्सल देखूंगा कैसा लगता है, एक सेकेंड लेट मी चेक। हमने फूटर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फूटर क्लास में देखो एस्टिंग लगा, ऐसे कर देते हैं, ठीक, वापस करते हैं रिफ्रेश, ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट का मैं सिंबल कोड डाल देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल कोड, तो यहाँ पे कोड आ जाएगा कॉपीराइट का। तो ये कोड कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, स्पेस देके सेव, और करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो हमारा फूटर में सिर्फ हमने बिल्कुल सिंपल फूटर रखा है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने नहीं डाली यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, ये देखो कितना अच्छा देखने में लग रहा है। तो इसको एक बार मोबाइल रेस्पॉन्सिव देख लेते हैं कैसा है ये, अगर मोबाइल में जरूरत पड़े, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली अभी हमारा वेबसाइट में सारे सेक्शन बन के रेडी हो चुके हैं, हमारी जो एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरीके से बनती है वो रेडी हो चुकी है। मैं एक्स्ट्रा जो टैब्स हैं उसे क्लोज कर देता हूँ। अभी बस हमें करना क्या है, अभी हमें इन मेन्यूज में हमें करना है इसको सेट, कि मैं अगर कोर्स पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मेरा स्क्रॉल होकर इसी पेज पे यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इन सभी को आईडी देनी होगी जी। तो यहाँ पर इस सेक्शन में आईडी दे देता हूँ, या फिर मैं इनकी हेडिंग में आईडी दे देता हूँ। तो ये जो हेडिंग है इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल जैसे कि अबाउट, ठीक है। और इस हेडिंग को मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाता हूँ HREF के अंदर, और हैश के साथ मैं डाल दूंगा अबाउट। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, अब देखो अबाउट के पास गया, एक सेकेंड, ये ऐसे हमने होम में डाल दिया, होम पे नहीं डालना हमें, हमें डालना है यहाँ पर अबाउट, इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे अबाउट, सेव किया, रिफ्रेश, लेट मी चेक, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो ऐसे ही बेसिकली मुझे इन सभी में यहाँ पे डाल देना है। तो मैं काम करता हूँ, जैसे हैश कोर्स है, ठीक है, ऐसे ही हैश अचीवमेंट है, तो यहाँ पे इसे करता हूँ कॉपी, और इसे करता हूँ पेस्ट, इसे करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से अचीव ही कर लेता हूँ, या चलो पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं रिव्यू, और यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये होम में तो बेसिकली आप होम पेज डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हैश ही डालो उसी पेज पे रहेगा वैसे भी। तो इसे करते हैं कॉपी, यहाँ से देखो कोर्स कहाँ पे स्टार्ट है हमारा, हेडिंग में देखो जरा कोर्स, तो यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ मैं, मैंने कॉपी किया इस तरीके से, कोर्स आ गया। और बाकी मैंने हेडिंग क्या दी है, अचीवमेंट दिया है, तो इसे कॉपी करते हैं।
अचीवमेंट की हेडिंग हमारी है कहाँ पे, नीचे, ये रहा हमारा अचीवमेंट। तो इसको भी आईडी करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो थर्ड है रिव्यूज, मैंने यहाँ पे रिव्यू दिया है तो इसे करते हैं कॉपी। नीचे जाते हैं, हमारा रिव्यू कहाँ पे है, ये रहा हमारा रिव्यू, एक सेकेंड, नीचे 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 नीचे, ये रहा रिव्यू। पर मुझे तो उसकी हेडिंग में देना है ना, यहाँ पे दूंगा मैं इसको, तो आईडी इक्वल में रिव्यू यहाँ डाल देते हैं। और हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर डालना है, तो कॉन्टैक्ट की हेडिंग का ये रही यहाँ पे, तो आईडी इक्वल में डाल देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश चेक कर लेते हैं, वर्किंग है सारे लिंक्स। अबाउट पे क्लिक किया, आ गया कोर्सेज पे, आ गया अचीवमेंट्स पे भी आ गया, रिव्यूज, अच्छा रिव्यूज पे काम नहीं कर रहा, तो लेट मी चेक मैंने रिव्यू में दिया कहाँ पर है। तो रिव्यू रिव्यू आईडी हमने दिया है यहाँ पर रिव्यू, इसे एक बार स्पेलिंग मिस चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखो यहाँ से हमने हटा दिया। सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो रिव्यू में आ गया, कॉन्टैक्ट में भी आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो बेसिकली अभी ये चीज़ क्या है कि हमारा ये जो सेक्शन है बेसिकली ये बन के बिल्कुल परफेक्ट है, सारे सेक्शन बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा से पूरी वेबसाइट का मैं बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर हेडर सेक्शन है, उसके बाद हमारा बैनर सेक्शन है, उसके बाद हमारा अबाउट अस सेक्शन हमने बनाया, फिर आवर पॉपुलर कोर्सेज सेक्शन हमने बनाया, फिर आवर इंस्ट्रक्टर सेक्शन बनाया, उसके बाद आवर अचीवमेंट सेक्शन, फिर रिव्यू सेक्शन, फिर हमने कनेक्ट विद अस सेक्शन बनाया जिसमें हमारा फॉर्म मैप आया, और हमारा लास्ट में सिंगल लाइन का फुटर आया। तो काफ़ी अच्छी हमारी पूरी सिंगल पेज एक वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। इसकी मैं रिव्यू भी दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से देखो हमारे मेन्यूज हैं, ये देखो अबाउट पे चला जाएगा इस तरीके से, तो मेन्यू सारे वर्किंग है, और काफ़ी अच्छी हमारी मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी ये वेबसाइट बन चुकी है। तो पूरी मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल डिवाइस में जाएगी तो आप कुछ अलग दिखेगी, मोबाइल पर जाएगी तो डेस्कटॉप पर रहेगी तो कुछ अलग दिखेगी, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाया। तो आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS की हेल्प से आप एक ब्यूटीफुल वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। और मैं इसमें जो पॉइंट, मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप लेआउट बनाने के लिए ग्रिड का यूज़ करोगे तो वो सबसे बेनिफिशियल रहेगा। फ्लैक्स बॉक्स से तो मैं एक स्टेप ऊपर मानता हूँ, एज अ अगर मैं अपनी रिव्यू दूँ कि ग्रिड और फ्लैक्स में, तो ग्रिड सबसे ऊपर रहेगा फ्लैक्स बॉक्स के, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स के आने के बाद ही ग्रिड आया था, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स 1D है, ग्रिड हमारा 2D है, तो काफ़ी इजी तरीके से हम इसमें कंटेंट को बना सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी वेबसाइट्स का लुक एंड फील दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट हमने बनाई यहाँ पर। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और देखो, जैसे कि ये वाला सेक्शन थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसके नीचे थोड़ा स्पेस है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको थोड़ा नीचे कर सकता हूँ, कैसे, चलो मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। तो हम जाएंगे अपने पहले रिव्यू सेक्शन, देखो हमारा रिव्यू सेक्शन कहाँ पे है, हेडिंग है इंस्ट्रक्टर का सेक्शन ये रहा, और ये इंस्ट्रक्टर जो 1 है इसे करो कॉपी, और यहाँ पे फाइंड करो इंस्ट्रक्टर 1 कहाँ पे है, देखो ये रहा यहाँ पे आ गया। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ टॉप से 50 पिक्सल, बाकी से 0 पिक्सल, बाकी से 0 पिक्सल इस तरीके से। सेव करते हैं, रिफ्रेश, देखो थोड़ा नीचे आ गया ये, और जो गैप था वो हमने मेंटेन कर दिया। तो बड़ा इजी है, आप सब समझ चुके हैं कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो मीडिया क्वेरी है। मीडिया क्वेरी लगा के आप जिस भी लेआउट में अपनी पूरी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, इसमें अगर कुछ भी सीखने को मिला कि एक पूरी कंप्लीट सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो इस लेक्चर को लाइक करो, कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए टॉपिक के नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।